हमने पहली सितंबर कर लिया था और 3 सितंबर की जल एंट्री कर ली थी। अब हमारे आते हैं 9 सितंबर की एंट्री पर। ओके, तो ऑन सितंबर 9th इक्विपमेंट इज़ परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम गाजी लिमिटेड फॉर 1,000 रुपीज़। सो पहले तो वही जैसे मैंने कल कहा कि आपको पहले सोचना है, एनालाइज करना है, डू नॉट जंप टू दी डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट खुद से नमूदार होगा, खुद से आपके पास आएगा, ठीक है, खुद उससे परेशान नहीं होना है। अभी आपको उससे सोचना है कि वो क्या रहा है। ऑन सितंबर 9th इक्विपमेंट इज़ परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ऑन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि उधार पे लेना, ठीक है। तो ये बार बार कहीं भी लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब है कि उधार पे लिया जा रहा है चीज़ खरीदी, परचेस्ड। ऑन क्रेडिट मतलब है कि परचेस की जा रही है चीज़, खरीदी जा रही है लेकिन उधार पे की जा रही है, यानी कि उसी पर आप कैश नहीं पे कर रहे हैं, उसी पर पैसा नहीं पे कर रहा है बिज़नेस। बाद में जब भी उसका जो भी उसका जो अरेंजमेंट होगी उसके हिसाब से वो पैसा पे किया जाएगा। तो इक्विपमेंट इज़ परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम गाजी लिमिटेड फॉर 1,000 रुपीज़। सो इक्विपमेंट ख़रीदा जा रहा है उधार पे एक दूसरी कंपनी गाजी लिमिटेड से 1,000 रुपये के में, ठीक। तो जैसे हमने कल करा था, आपका कहाँ गया मेरा, हाँ, तो जैसे हमने कल करा था कि अब आप इक्विपमेंट ख़रीदा जा रहा है और उधार पे, तो आपको सोचना है कि इक्विपमेंट जो आप ले रहे हैं, अब इक्विपमेंट डेट कॉपी कर लूँ मैं, 9 सितंबर, सही है, 9 सितंबर को ख़रीदा जा रहा है और कह रहे हैं कि इक्विपमेंट इज़ परचेस्ड ऑन क्रेडिट। सो इक्विपमेंट जस्ट लाइक मशीनरी, तो जिस तरह हमने कल करा था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि मशीनरी क्या है, आपका असासा है, आपका एसेट है, राइट। आप उस मशीन को इस्तेमाल करके उसको उससे कमाई करेंगे, उससे चीज़ें बनाएंगे, जो भी काम करने काम निकालेंगे और उससे आपकी कमाई होगी, उससे कुछ इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदा करेंगे आप, राइट। उसी तरह आप इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट इज़ लाइक मशीनरी, सही है ना। अब वहाँ उन्होंने नाम ऑलरेडी दे दिया इक्विपमेंट, आप आराम से अकाउंट नेम तक पता चल गया इक्विपमेंट, सही है। तो इक्विपमेंट भी क्या होता है, मशीनी होती है, राइट। मशीनी का दूसरा नाम दे दिया इक्विपमेंट, आप चाहें तो मशीनरी लिख दें वहाँ पर, चाहें तो इक्विपमेंट लिख दें वहाँ पर, सही है। तो इक्विपमेंट क्या होगा भाई, वो भी आपका खुद समझ सकते हैं, जैसे मशीन की तरह वो भी आपकी क्या है, आपके पास उसका आपका एसेट है, आपका असासा है, आपकी मिल्कियत की चीज़ है, राइट। आप उसको इस्तेमाल करेंगे, आप उसको इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदा उठाएंगे अपना, सही है ना। तो उसके जैसे हमने कल करा था मशीनरी का, कि अब आप क्या कर रहे हैं कि इक्विपमेंट आपके पास आ रहा है, पहले इक्विपमेंट नहीं था, या समझ लें अगर मशीनरी का एक मशीन थी, एक इक्विपमेंट था, तो अब दूसरा इक्विपमेंट आ रहा है, सही है। सो इक्विपमेंट जस्ट अनदर नेम फॉर मशीन, सो आप चाहें तो मशीनरी भी लिख सकते हैं वहाँ पे। तो पहले अगर हमने एक मशीन ली तो हम 2 मशीन ले रहे हैं, या पहले हमने अगर 3 सितंबर को एक मशीन ली लेकिन वो डिफरेंट तरीके की मशीन थी, हम दूसरी तरीके की मशीन ले रहे हैं, सही है ना। तो एक हम दूसरी मशीन ले रहे हैं, तो हमारे पास एक नई मशीन आ रही है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है कि हमारे पास अगर पहले एक मशीन, तो अब 2 मशीन हो रही है, सही है। या जिस तरह की मशीन अब हम ख़रीद रहे हैं, वो पहले वो मशीन उस तरह की नहीं थी हमारे पास, सही है। अब एक नई तरीके की हम मशीन ख़रीद रहे हैं जो हमारी ज़रूरत है जिस मकसद के लिए, सही है। तो उसमें क्या होगा कि ज़ाहिर सी बात है कि आपके वो चीज़ एक नई चीज़ आ रही है, तो आपके लिए वो फ़ायदा करेगी, आपको उससे काम निकालेंगे आप, आपका एसेट है। तो पहले नहीं थे तो अब आ रही है, तो पहले तो 1,000 रुपये की जो मशीन नहीं थी अब आ गई, तो आपका मशीन जो है, जो इक्विपमेंट है, वो अकाउंट जो है वो 1,000 से ऊपर हो गया, ऊपर इंक्रीज़ कर गया, सही है। तो ज़ीरो, पहले कोई मशीन इक्विपमेंट नहीं था तो 0 पे था, अब इक्विपमेंट आ गया 1,000 का, तो इक्विपमेंट इंक्रीज़ कर गया, इक्विपमेंट 0 से 1,000 इंक्रीज कर गया। तो अब एसेट है आपका, असासा है, तो एसेट को इंक्रीज़ कैसे करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसेट को इंक्रीज़ करने के लिए आप उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो अब आपका, अब आप आगे डेबिट पे, तो आप उसका नाम क्या लिखें, जैसे मैंने कल कहा नाम की फिक्र नहीं करिएगा,
ओके, नाम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, राइट, नाम आपको कहाँ गया, नाम आपको ऑलरेडी एक तरह से दिया हुआ है, इक्विपमेंट इज परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो इक्विपमेंट इज परचेस्ड, तो सही है, आप उसको ना वही नाम लिख दें इक्विपमेंट, सही है ना, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके, सो इक्विपमेंट इज परचेस्ड ऑन क्रेडिट, तो इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास आ रहा है, इक्विपमेंट हमारा एसेट है, एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विपमेंट एसेट को इंक्रीज करने के लिए आप उसको डेबिट करते हैं, तो इक्विपमेंट को आप डेबिट कर देंगे, ठीक, अच्छा, अब मसला आपको जैसे पता होगा क्या होगा कि अभी आपका क्या हो गया, एसेट इंक्रीज कर गया एक, सही है, अब एसेट इंक्रीज कर गया, अब एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एक साइड लेफ्ट साइड डेबिट साइड तो इंक्रीज हो गया, ऊपर चला गया, तो अब या तो एक्सपेंस को हम नीचे करें या एसेट्स को एक दूसरा एसेट जो है वो डिक्रीज हो ताकि नेट इफेक्ट जीरो हो जाए, ठीक है, जैसे पिछली जल एंट्री में हमने करा था, या फिर राइट साइड पे जो इक्वेशन इक्वेशन का हिस्से हैं लाइबिलिटीज ओनर्स कैपिटल रेवेन्यू उनमें से कुछ चेंज आ जाए, सही है ना, उनमें वो इंक्रीज कर जाए, सही है, तो अब हमें सोचना है कि अब क्रेडिट क्या करना होगा, तो इक्विपमेंट हमने डेबिट करके इंक्रीज कर दिया है, एसेट इंक्रीज कर दिया है, अब आपको है कि परचेस्ड ऑन क्रेडिट उधार पे खरीदा जा रहा है, सही है ना, तो उधार जो है आप खुद सोचें कि उधार जो है वो क्या आ सकता है, अब क्या वो एसेट होगा, क्योंकि अगर एसेट को हम अब उधार है तो उधार तो एसेट नहीं हो सकता, उधार तो मेरी मिल्कियत नहीं है, उधार तो को तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, उस उधार को तो मैं फ़ायदा नहीं ले सकता हूँ उधार से, राइट, उधार तो मेरे ऊपर तलवार खड़ी हुई है सर पे, उधार तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो उधार कैन नॉट बी एन एसेट, राइट, एट द सेम टाइम अगर हम वहाँ एसेट को डिक्रीज करते हैं तो उधार को अगर हम डिक्रीज कर तो उधार कैसे डिक्रीज होगा, दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट, उधार तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, उधार पे खरीद रहा हूँ, उधार तो मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो उधार एसेट तो एसेट डज नॉट मेक सेंस कि एसेट होगा वहाँ पर, एक्सपेंसेस, वेल एक्सपेंस हमारा मेरा खर्चा, एक्सपेंस को अगर मैं अब क्रेडिट करता हूँ तो एक्सपेंस क्रेडिट करने से डिक्रीज होता है, वेल ये उधार है, उधार कैसे, हमारा उधार बढ़ रहा है मेरा यहाँ पर, मैं भाई उधार नहीं था, उधार हो गया, तो उधार तो इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सपेंस जो खर्चा है उसको तो क्रेडिट करने से डिक्रीज होता है, सो डेट डज नॉट मेक सेंस, इट कैन नॉट बी एन एक्सपेंस हियर इधर, अच्छा अब आते हैं क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं भाई, लाइबिलिटीज़ होती हैं उधार, सही है, और ये हम भाई आगे पढ़ेंगे भी आज इंशाल्लाह, तो उधार होती हैं लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ उधार, अब मेरा उधार क्या हो रहा है कि आप उधार पे चीज़ खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उधार पे, आप उसको बाद में पैसा पे करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए अभी आप पैसा पे नहीं कर रहे हैं, तो उधार आपका जो है पहले नहीं था आपके ऊपर, राइट, अब तक जितनी हमने जल एंट्री करी है उसमें कोई अभी उधार नहीं आया अभी तक कहीं हमारे पास, सही है, पहली वाली जल एंट्री में बुशरा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही थी बिजनेस में, उसने किसी से उधार नहीं लिया, ठीक है, फिर जब उसने दूसरी जब उसने मशीन खरीदी 3 सितंबर को तो उसने कैश पे करा, सही ना, तो कोई उधार सा मसला नहीं आया, अब मसला आया कि अब यहाँ पर यानी कि अब हमारा उधार यानी कि अब तक चढ़ा नहीं था हमारे ऊपर कोई उधार, सही है, लेकिन अब हमारे ऊपर उधार चढ़ रहा है, इसलिए हम उधार पे चीज़ खरीद रहे हैं, हम उस जो सप्लायर है गाजी लिमिटेड उसको हम कैश पे नहीं कर रहे हैं, उसको हम कैश नहीं पे कर रहे हैं, बल्कि उसको हम कह रहे हैं कि भाई उधार अभी सामान ले लो, दे दो मुझे, लेकिन मैं कल परसों एक हफ्ते बाद 2 महीने बाद तुम्हें पे करूँगा, सही है, तो इसमें अब आपका उधार जो है वो यानी कि पहले नहीं था, ज़ीरो था, अब तक हमारे पास उधार नहीं आया था, लेकिन उधार नहीं चढ़ा था हमारे ऊपर, लेकिन अब हमारे ऊपर उधार चढ़ गया 1000 रुपये का, राइट, 0 to 1000 उधार इज़ इंक्रीजिंग, राइट, सो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो उधार होती हैं, तो लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कैसे करते हैं, आपको एक अकाउंट इक्वेशन क्या कह रही है कि भाई लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड पे होती हैं, उसका साइन प्लस साइन जो क्रेडिट साइड पर है, लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको हम अगर क्रेडिट करते हैं तो वो इंक्रीज होती हैं, राइट, तो लाइबिलिटी इन इस जल एंट्री में हमें लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है, हमारे पास अब तक उधार नहीं था, जीरो था, अब हमारे पास उधार 1000 रुपये का चढ़ गया, तो 0 to 1000 वी हैव गॉन अप, वी हैव इंक्रीज्ड, राइट, तो हमारी लाइबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड, सो उसको हम लाइबिलिटीज को इंक्रीज कैसे करते हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पर है, उसका प्लस साइन क्रेडिट साइड पर है, लाइबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए आपको उसको क्रेडिट करना है, राइट, अच्छा
तो अभी हमें यह पता चल गया कि लायबिलिटी जो है वो यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ मसला ये यह आ रहा है कि उसका नाम क्या लिखें, राइट। तो यहाँ परेशान की ज़रूरत नहीं है, जो क्रेडिट का मसला आता है ना उसमें आपका जो अक्सर अकाउंट इस्तेमाल होगा, हम करेंगे जो इस्तेमाल, कुछ अकाउंट के नाम फिक्स हैं तो वो आप आसान से सीख जाएंगे। जो अकाउंट हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा उधार पे, अक्सर हम जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। और इसको मैं ज़रा अंदर कर दूँ, तो क्या हुआ कि अकाउंट्स पेएबल हमने वर्ड इस्तेमाल करा, अकाउंट्स पेएबल, सही है ना। कुछ हमारे अकाउंट हैं वो बंधे हुए नाम हैं, सही है ना। तो आप वो मसला नहीं है, वो आप सीख लेंगे बार बार, सही है ना। वो कॉमन अकाउंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, राइट। जैसे कैश हो गया, अकाउंट्स पेएबल हो गया, अभी एक और आएगा अकाउंट्स रिसीवेबल वगैरह, तो वो उसमें आप देखेंगे। तो अकाउंट्स पेएबल नाम से ही आपको लग रहा है क्या करना है आपको यहाँ पे, अकाउंट्स पेएबल पे करना है, सही है ना। अभी बाद में एक आएगा अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसमें आप रिसीव करेंगे पैसा, सही है। तो क्योंकि जब उधार का मसला आ रहा है, चाहे उधार पे अगर किसी को बेचेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल का मसला आएगा, अगर उधार पे आप किसी से खरीदेंगे तो अकाउंट्स पेएबल का मसला आएगा। आप उधार पे खरीद रहे हैं तो सामान तो आ गया आपके पास, लेकिन आपने पैसा पे नहीं करा, आप उसको बाद में पैसा पे करेंगे। तो वही देखें, वर्ड जो हैं वो उसके ना अकाउंट के नाम में ही लिख दिए गए हैं, अकाउंट्स पेएबल। मतलब क्या है कि हम बाद में इस जो भी अकाउंट्स पेएबल में बैलेंस है उसको हमें, हमने उधार पे लिया हुआ है, वो उधार जो है हमें बाद में पे करना है, उसको चुकाना है, सही है। अकाउंट्स पेएबल यूजली जो होता है वो एक अकाउंट होता है और उसके अंडर जो होते हैं ना उसके बहुत छोटे छोटे उसके दूसरे मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, उनके से कहते हैं सब्सिडरी लेजर कहते हैं। तो हमने अब यहाँ पर, मैं सब्सिडरी लेजर वगैरह में नहीं जा रहा हूँ, वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा ज़रा सा हमारा। तो अभी के लिए बस हम रख रहे हैं कि अकाउंट्स पेएबल, हमने क्या करा आगे नाम लिख दे दिया उसके, अगाज़ी लिमिटेड, ताकि अब बाद में किसी का अकाउंट्स पेएबल आए, हम किसी और से कुछ और उधार लें, तो अगर हम एक ही अकाउंट बनाएंगे तो उसमें मसला बन जाएगा कि किसका किसका उधार देना है, किसको कितना देना है, राइट। मिक्सअप हो जाएगा सारा। तो उसको अलग रखने के लिए क्या करा जाता है कि उस पर नाम लिख दिया जाता है, जिससे हमने उधार पे लिया उसका नाम लिख दिया जाएगा, वेंडर का, सप्लायर का। तो अकाउंट्स पेएबल गाजी लिमिटेड, ठीक है। अगर हम अब एक और हम कुछ और लेते हैं, अकाउंट्स पेएबल आमिर लिमिटेड, सही है। तो हम उसका एक नया बनाएंगे, अकाउंट्स पेएबल आमिर लिमिटेड, ताकि उधार जो है उसको अलग अलग नज़र आता रहे कि भाई गाजी को कितना पे करना है, आमिर को कितना पे करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसमें मैंने कहा कि अकाउंट्स पेएबल जो है वो आपका होता है लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज जो हैं वो आपकी क्रेडिट करने से इंक्रीज होती हैं, तो लायबिलिटीज को हमने इंक्रीज कर दिया क्रेडिट करके। ओके, इसी वजह जो साइड में लिखा हुआ हो ना, ये आपको आपको नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करें या एग्ज़ाम में बैठे कर रहे हो, ये सब जरा इंट्रीज या असाइनमेंट में कर रहे हो, तो आपको ये साइड में जो मैं कर रहा हूँ ना, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज ओपन नेट इफेक्ट, ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग बात है, प्रैक्टिस करते हुए आप खुद से करते रहें बैठ के, डेट्स फॉर योर ओन प्रैक्टिस। लेकिन जब असाइनमेंट कर रहे हो या एग्ज़ाम में कर रहे हो काम, तो आपको ये साइड में जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको देखते रहें कि किस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में मुस्तकिल बैलेंस रखी हुई है, सही है। जर्नल एंट्री को आपको, अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं बनाने आ रही है, आपको अपनी बात समझ में आ रहा है कुछ गलती कर रहे हैं, तो आप खाली इसी को अगर सोच कर रखें कि मुझे जर्नल एंट्री इस तरह बनानी है कि मेरा डेबिट इक्वल क्रेडिट होता रहे, तो आप इसी से चाहे कितने मसले हल कर लें अपने, कि उसी में कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो अब इसमें क्या है कि जैसे अब देखा कि अभी पहले वाले में देखा, हमारा एसेट इंक्रीज करा, लेफ्ट साइड इंक्रीज करा, तो हमारा राइट साइड पे क्रेडिट साइड पे कैपिटल इंक्रीज करा था, ठीक है। दूसरे में हमने देखा कि एसेट इंक्रीज करा, लेकिन उसी साइड पे फिर एसेट डिक्रीज भी कर गया, सो ऊपर नीचे एक ही साइड पे हो गया, तो नेट इफेक्ट जीरो हो गया, तो तुम्हें दूसरे साइड पे किसी और दूसरे अकाउंट किसी को टच नहीं करना पड़ा। और अभी हम तीसरे में देख रहे हैं कि एसेट इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसको बैलेंस करने के लिए हमने दूसरे साइड पे लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो दोनों साइड इंक्रीज हुई इस तरह, तो इक्वेशन बैलेंस रह गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। बॉट इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट,
ओके, देन वी कम टू फोर्थ जर्नल एंट्री, सितंबर 10th. दिस नंबर क्या हो रहा है भाई, द बिजनेस परचेज ऑफिस सप्लाइज फॉर 2500 रुपीज. ओके, बिजनेस ने अब क्या भाई, जाहिर बात है कि ऑफिस में भी खोला होगा उसने पुशरा ने, तो उसको पेन चाहिए, पेंसिल भी चाहिए होगी, कुछ शायद बिल विल बनाने के लिए, शायद उसको पेपर चाहिए हो प्रिंट करने के लिए, कोई नोटबुक चाहिए हो शायद उस पर ऑर्डर वाडर लिखने के लिए, पैड चाहिए हो कुछ, पैड पे कुछ लिखना हो. तो हर ऑफिस में जाहिर बात है कुछ एनिवे ऑफिस सप्लाइज होती हैं, स्टेशनरी होती है, ठीक है, मार्कर, पेंसिल, पेन, रूलर वगैरह, पैड, नोटबुक, प्रिंटिंग पेपर वगैरह वगैरह, राइट. तो वही चीज़ यहाँ पे कि अब बिजनेस जो है बुशरा का, बुशरा लिमिटेड, उसने क्या करा, उसने भाई उसने देखा कि हमें, मुझे ये यू नो ज़रूरत है इस चीज़ की, स्टेशनरी की ज़रूरत है, तो उसने ऑफिस सप्लाइज जो है स्टेशनरी उसने ख़रीदी 2500 की, 2500 रुपीज़. ओके, सो वॉट, सो अब आपको सोचना है यहाँ पे कि ऑफिस सप्लाइज खरीद रहे हैं 2500 रुपीस. अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई चेक कैश पे कर रहे हैं या क्रेडिट पे कर रहे हैं, ओके, तो क्योंकि यहाँ मैंने जानबूझ के लिखा ही नहीं है कि चेक पे किया जा रहा है यानी कैश पे कर रहे हैं या क्रेडिट पे किया जा रहा है, उधार पे ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि कहीं कहीं आपको जर्नल एंट्रीज में ये नहीं बताया जाएगा कि ये लिखा हुआ नहीं होगा कि क्रेडिट पे है या कैश पे है. तो आप अस्यूम क्या करें, वहाँ पर अस्यूम आपको ये करना है कि ये कैश पे है. जब लिखा हुआ नहीं है कि कैश या क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो आप अस्यूम करें कि कैश पे हो रहा है या चेक हो रहा है, सही है ना. जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन करा था, चेक या हो या कैश हो, बात एक ही है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी की वजह, बस वजह डिफरेंस है, लेकिन काम एक ही हो रहा है उसमें. तो आपका जो सेकेंड, जो आपका था सेकेंड ट्रांजेक्शन में देखें लिखा हुआ है पेमेंट मेड बाय चेक i.e. कैश, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कैश, तो हमने जो हमने जल एंट्री करी थी हमने उसमें मशीनरी डेबिट करी थी और बैंक या कैश जो भी आप कह लें उसको हमने क्रेडिट कर दिया था, ठीक है. और जबकि हम तब तीसरे में आए, तीसरी जल एंट्री, तो तीसरी जल एंट्री में लिखा हुआ है क्लियरली इक्विपमेंट इज परचेस्ड ऑन क्रेडिट. और जैसे मैंने एक्सप्लेन करा कि ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पे हम ले रहे हैं, कैश नहीं पे कर रहे हैं अभी, उधार पे लिया है, ठीक है. तो उसके लिए फिर हमने इस्तेमाल करा अकाउंट्स पेएबल, ठीक है. तो अब जब हम फोर्थ में आए हैं, तो फोर्थ में जैसे मैंने कहा कि आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है कैश या क्रेडिट, तो जब अगर क्रेडिट पे खरीदा जाएगा तो लिखा हुआ होगा ऑन क्रेडिट, सही है, बॉट ऑन क्रेडिट या सोल्ड ऑन क्रेडिट, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है. तो जहाँ क्रेडिट पे हो रहा है, उधार पे काम चल रहा है, वो लिखा हुआ होगा. जहाँ नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो वहाँ पे कैश पे किया जा रहा है. तो हो सकता है कहीं लिखा हुआ भी हो पेड बाय कैश, या हो सकता है कहीं ना लिखा हुआ हो. तो आपको फिर जहाँ नहीं लिखा हुआ, आपको अस्यूम ये करना है कि कैश इज बीइंग यूज्ड टू पे ऑफ द, टू पे द वेंडर सप्लायर. तो इन दिस केस अब क्या है, आपको आपको एनालाइज करें. अच्छा, तो ऑफिस सप्लायर्स खरीदी जा रही हैं, स्टेशनरी खरीदी जा रही है 2500 की कैश की, राइट. अच्छा, तो अब आपको सेकंड जर्नल एंट्री जो आप कर चुके हैं उससे तो थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा. सेकंड जर्नल एंट्री हम जो कल करी थी उससे कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम दो में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन चलता हूँ, ठीक है. तो अब 10 सितंबर को हम क्या कह रहे हैं, ऑफिस सप्लाइज खरीदी जा रही है, स्टेशनरी खरीदी जा रही है. वही सोचें आप, स्टेशनरी क्या है आपके लिए, राइट, इज इट एन एक्सपेंस, नॉट एग्जैक्टली, सही है. एक्सपेंस और एसेट में ज़रा सा डिफरेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे और जर्नल एंट्रीज करेंगे ना, तो फिर इसी चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी. अभी डेफिनेशन गो थ्रू करेंगे हम सबकी एसेट एक्सपेंसेस वगैरह की, तो अभी ये सब आएगा, ये सब चीज़ें. तो एसेट इट्स एक्सपेंस नहीं है, इसलिए ये आपका खर्चा नहीं है, अखराजात में नहीं आता है, ठीक है. अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखें किस तरह ये काम करेगा. वो आता है खर्चा में आएगा, हम जर्नल एंट्री जब पढ़ेंगे, लेक्चर 3 पढ़ेंगे, तो लेक्चर 3 में पढ़ेंगे कि सप्लाइज एक्सपेंस में किस तरह जाएगी, सही है, वो हम उस वक्त पढ़ेंगे. लेकिन अभी के लिए क्या हो रहा है कि अभी के लिए जाहिर सी बात है वो एक्सपेंस अभी खर्चा नहीं है, बाद में जाएगा खर्चे में, वो किस तरह जाएगा वो लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे. लेकिन अभी जब खरीदी चीज़ जा रही है तो उस वक्त नहीं है वो एक्सपेंस, ठीक है. क्योंकि अभी आप जब स्टेशनरी ख़रीद रहे हैं, तो स्टेशनरी दुकान से आपके पास जब आएगी तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे, सही है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके आप उसको कुछ फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है. तो अभी के लिए वो जो है वो आपका खर्चा नहीं है, खर्चा बनेगा, वो एक्सपेंस बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा, वो बाद में बनेगा. लेकिन अभी के लिए हमें जो चीज़ ख़रीदी जा रही है
तो अभी उसको एक्सपेंस नहीं है, वो खर्चा होगा जब वो खर्च चीज़ हो जाएगी। सही है, स्टेशनरी अभी आ रही है, अभी नया पेन आया है, नया मार्कर आया है, नया पैड आया है, नया प्रिंटिंग पेपर आए हैं। हाँ, जब उसको इस्तेमाल कर लेंगे और इस्तेमाल यही बात है, पेन इस्तेमाल करते कि एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगा, मार्कर एक दफ़ा ख़त्म होगा, पेन पैड जो है ख़त्म हो जाएगा। सही है ना, जो भी चीज़ें हैं स्टेशनरी जो जैसी बातें इस्तेमाल करते रहते ख़त्म होती है, राइट। तो जैसे ख़त्म जो होगी ना, उसका मतलब होता है वो खर्च हो गई। जब उस वक्त खर्च होगी तो हम उसको अखराजात में डाल देंगे। अखराजात क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। लेकिन क्योंकि अभी वो नई नई सामान अभी आया है दुकान में, अभी हम उसको इस्तेमाल करेंगे, तो इट्स नॉट एन एक्सपेंस राइट नाउ। ओके, तो इट्स नॉट एन एक्सपेंस। एंड तो आप खुद सोचें कि अभी हमारे पास वो चीज़ आई है, सही है, 2,500 की। तो अभी हमारे पास स्टेशनरी नहीं थी, अभी आई है, तो स्टेशनरी भी हमारी इंक्रीज़ हो गई, ऊपर चली गई, राइट। इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इंक्रीज़ अभी हो रही है, तो एक्सपेंस जैसे मैंने भी कहा कि एक्सपेंस नहीं हो सकता, लेकिन अभी तो नई नई वो चीज़ आई है, अभी तो वो अभी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो खर्च खर्च होगी वो चीज़, ठीक है। तो अभी तो इस्तेमाल हुई ही नहीं है वो, तो जब तो अभी के वो एक्सपेंस नहीं हो सकती। तो आपके पास डेबिट करने के लिए कि आपको इंक्रीज़ करना है ना, अब अगर आप लाइबिलिटीज़ पकड़ लेंगे या ओनर्स कैपिटल यहाँ पकड़ लेंगे, रेवेन्यू पकड़ लेंगे, तो वो डेबिट करेंगे तो वो तो डिक्रीज़ कर देगा लाइबिलिटीज़ को, ओनर्स कैपिटल और रेवेन्यू को। तो हमें इंक्रीज़ करना है कि 0 से लेकर 25, 0 हमारे पास स्टेशनरी नहीं थी, 0 पे खड़े हुए थे, अब हमारा 2,500 की, 2,500 रुपीज़ की स्टेशनरी आ गई। सो वी हैव इंक्रीज्ड अवर स्टेशनरी अकाउंट, राइट। स्टेशनरी अकाउंट जो हमारा इंक्रीज़ कर गया 2,500 से। तो जैसे मैंने कहा कि आपको आप इंक्रीज़ डेबिट करने से इंक्रीज़ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस का मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेंस अभी नहीं होगा, इसलिए कि अभी नई नई चीज़ आई है, अभी आपने उसको इस्तेमाल नहीं करा है, ठीक है। जो इस्तेमाल हो जाएगी तो एक्सपेंस होगा। वो किस तरह करते हैं आगे पीछे चीज़ें, वो हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, उसका एक अलग से प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन बनता जल एंट्री है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे उस वक्त किस तरह क्या होता है, मकसद क्या होता है चीज़ों का उसमें। तो आपके पास डेबिट करने से जो चीज़ें इंक्रीज होती हैं वो दो ही हैं, एसेट या एक्सपेंस। और एक्सपेंस का हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इट कैन नॉट बी एन एक्सपेंस राइट नाउ। न्यू न्यू अभी स्टेशनरी खरीदी आपने, नई खरीदी स्टेशनरी खरीदी, तो अभी एक्सपेंस नहीं है वो। तो आपके पास फिर बचा ही क्या दो में से? एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, तो फिर बचा है एसेट। सही है, तो ऑफिस सप्लाइज जो हैं आपके एसेट हैं, सही है ना। स्टेशनरी जो आप खरीदते हैं ऑफिस के लिए, वो एसेट है, इसलिए आप उसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके आप उससे कोई फ़ायदा उठाएंगे, सही है ना। प्रिंट पेपर पे आप प्रिंट बिल बना के कस्टमर्स को भेजेंगे, बिल बना के भेजेंगे तो वो आपको पैसा पे करेंगे, राइट। आप स्टेशन आप कुछ हो सकता है कि कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो, कस्टमर कोई आपको कुछ चीज़ ऑर्डर दे रहा है, तो उसको ऑर्डर पे लिखने के लिए पैड चाहिए होगा, तो आप उसको पैड नहीं होगा तो आप ऑर्डर गलत कर देंगे, गलत बना देंगे, सही है ना। तो पेन पेंसिल चाहिए मतलब लिखने के लिए वगैरह के लिए, सही चीज़ों के लिए। तो ये सब इसलिए कह रहे हैं कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, राइट। आप अपने रेवेन्यू कमाएंगे, कमाई करेंगे, कस्टमर से पैसा लेंगे, सही है। तो इसलिए डेट्स ऑफिस सप्लाइज जो होते हैं, स्टेशनरी होती है, वो भी आपका एसेट होता है, वो भी आपका असासा होता है। और क्योंकि पहले से 0 पे खड़े हुए थे एसेट, आप 2,500 तक चले गए आपके इस ऑफिस सप्लाइज, तो स्टेशनरी 2,500 से इंक्रीज़ कर गई, तो एसेट इंक्रीज़ कर रहा है। एसेट को इंक्रीज़ करने के लिए आप उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। नाम क्या लिखे हैं यहाँ पे, आपका क्या लिखा हुआ यहाँ पे नाम? ऑफिस सप्लाइज, ठीक है, बिजनेस परचेजेस, ऑफिस सप्लाइज, तो नाम वही लिख दें, ऑफिस सप्लाइज। अब देखें, मैं नाम जो है ना, अक्सर आपके जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है उसी में आपका नाम निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे परचेज डॉक्यूमेंट 120, सही है। तो ऑफिस सप्लाइज जो हमारी, वो हमने डेबिट करके इंक्रीज कर दिया, हमारा एसेट है, एसेट जो है वो डेबिट करके इंक्रीज करना है, तो ऑफिस सप्लाइज जो है वो हमने 2,500 से इंक्रीज कर दिया। अच्छा, अब वही मसला आता है हमारा कि ऑफिस सप्लाइज जो है वो मैं 2,500 से इंक्रीज करा, तो मेरा एसेट जो है वो इंक्रीज कर गया 2,500 से, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि जाहिर सी बात, जैसे हम पहले कर चुके हैं, हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो हम देखेंगे कि भाई किस तरह पे किया जा रहा है, और हमें पे करने के लिए कहा जा रहा है, हमें पे करने के लिए वो बता रहे हैं कि इट इज़ पेड बाय कैश, राइट। 2,500 रुपीज़ जो है वो कैश पे करा जा रहा है, वहाँ लिखा हुआ नहीं है, फिर बता दे रहा हूँ, फिर बोल दे रहा हूँ, किसी ने कोई मिस कर गए हो, जहाँ नहीं लिखा हुआ है कि कैश पे कर रहे हैं या ऑन क्रेडिट है, उधार पे ले रहे हैं, तो अजम्पशन ये होगी कि यू आर पेइंग बाय कैश, यू आर बाइंग
the items on cash. Okay, assumption आपको cash करनी है, जहाँ लिखा हुआ explicitly नहीं लिखा हुआ है कि cash है या credit है, सही है? So यहाँ नहीं लिखा हुआ था तो आपको assume ये करना है cash pay करा जा रहा है, और cash जब pay कर रहे हैं तो cash हम पहले भी कर चुके हैं, आपका lecture क्या क्या आपका journal entry 2 के अंदर के जब अभी आपके पास जो कैश था वो कितना है था कि भाई जो भी जेब में पैसा रखा हुआ था जितना भी लट से 5,000 था, तो 5,000 में से आपने 2,500 की चीज़ ऑफिस सप्लाइज ख़रीदे कैश, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास अब अकाउंट में या जेब में या कहीं भी आप कह लें आपकी जो मिल्कियत में जितना कैश था आपके पास जितना कैश था उसमें 2,500 से कमी आ गई, इसलिए कि आपने 2,500 दुकानदार को पे करे और उसके बदले में दुकान ने क्या दिया आपको स्टेशनरी पकड़ा दी आपको इतने की, तो आपकी स्टेशनरी जो ऑफिस सप्लाई वो तो इंक्रीज़ कर गया लेकिन बैंक या जो कैश है वो डिक्रीज़ कर गया, इसलिए कि 5,000 जेब में रखे तो उसमें 2,500 के हमने सामान खरीदा, 2,500 से हमारा पैसा कम हो गया, और पैसा जो होता है वो क्या होता है एसेट होता है, और एसेट को डिक्रीज़ कैसे करते हैं क्रेडिट करके, ठीक है? तो हमारा जो एसेट है वो बैंक कैश वो हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करके हमने उसको डिक्रीज कर दिया, ठीक है? इसलिए इसलिए कि इट इज़ मेरे पास जितना पैसा था उसमें से मैंने जब दुकान को 2,500 पकड़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि मेरा पास जो कैश था अवेलेबिलिटी वो कम हो गई, तो अब इसमें फिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे एसेट एक एसेट इंक्रीज़ कर रहा है ऑफिस सप्लाइज स्टेशनरी, लेकिन उसके बदले एक दूसरा एसेट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो वही बात आ रही है कि नेट इफेक्ट एक ही जगह पे एक एसेट ऊपर गया एक एसेट नीचे गया तो नेट इफेक्ट इज़ ज़ीरो, जैसे मैंने कल कहा था कि आप दो कदम आगे लिए आप दो कदम पीछे लिए फिर तो जाहिर सी बात है कि आप पूरे एक्सरसाइज के बाद कहाँ पहुँचे वहीं पहुँच गए जहाँ पहले थे, राइट? तो नेट इफेक्ट ज़ीरो हो गया, तो लेफ्ट साइड पर डेबिट साइड पर ही आपका इफेक्ट नेट इफेक्ट ज़ीरो है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ और अकाउंट को टच नहीं करना है, इक्वेशन अपने आप खुद बैलेंस हो गई है उस जगह पे, सही है ना? ऐसे कि एक ही साइड पे एक ही चीज़ जो एसेट है वही उसका इफेक्ट ज़ीरो हो गया, एक चीज़ ऊपर गई दूसरी चीज़ नीचे आ गई, तो एसेट ही ज़ीरो पे खड़ा हुआ है एक तरह से नेट इफेक्ट, तो ऐसा होता है कि एक्सपेंस टच नहीं करेंगे आप, लाइबिलिटीज़ ओनर्स कैपिटल रेवेन्यू वगैरह, फिर क्रेडिट साइड पर भी कुछ चीज़ इंक्रीज नहीं होगी। अगर किसी को कुछ समझ ना आए कुछ एंट्री वगैरह तो आप मुझसे बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू इंटरप्ट मी इन बिटवीन। अच्छा इसका नरेशन लिख दें, बॉट ऑफिस सप्लाइज ओके ठीक, तो अब हम आते हैं सितंबर 14th को 1,000 रुपीज़ ओइंग टू गाजी लिमिटेड इज़ पेड बाई चेक आई कैश, फिर वहाँ क्लियरली बता दिया गया है कि कैश पे किया जा रहा है, और वैसे भी वो एक कॉमन सेंस होता, हो सकता है ना भी लिखा होता तो ये कॉमन सेंस होता, वो हो क्या रहा है आप एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों कॉमन सेंस की यहाँ बात कर रहा हूँ। 14 सितंबर को क्या हो रहा है कि जो 1,000 गाजी को पे करना था, सही है ना, गाजी लिमिटेड जो कंपनी उसको 1,000 हमें जो पे करना था वो क्यों पे करना था, 9 सितंबर को हमने क्या हरकत करी थी, 9 सितंबर को हमने उधार पे गाजी लिमिटेड से उधार पे हमने 1,000 चीज़ ली थी, इक्विपमेंट खरीदा था, राइट? तो उधार पे लिया था हमने, हमने कहा था मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें पे कर दूंगा, फिर हमने जिस दिन ख़रीदा था उससे 5 दिन बाद 14 सितंबर वी पेड बैक द मनी, हमने गाजी को पैसा भेज दिया 1,000 रुपये जो हमने उधार पे चीज़ ली थी, तो उसके बदले में उसको हमने कैश पे कर दिया गाजी को। तो अब वहाँ हो क्या रहा है कि जाहिर सी बात है कि आप किसी को उधार पे करना तो उधार किससे पे करते हैं, उधार से उधार तो पे नहीं करते हैं, राइट? मोस्ट लाइकली यानी कि ऐसा कर आप कर तो सकते हैं वैसे, लेकिन इट इज़ अ डेंजरस चीज़ है कि आप एक उधार लेकर एक बंदे से उधार लेकर दूसरे बंदे को उधार पे कर रहे हैं, सही है? एक बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन हो जाती है, कर सकते हैं ऑब्वियसली डेस्परेट सिचुएशन है, लेकिन एक इट कैन बी अ प्रॉब्लम, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस चीज़ को मना करा जाता है कि इस तरह ना किया करें। तो एनीवे आप कर क्या रहे हैं कि भाई आप उधार पे कर रहे हैं, आपने गाजी से उधार पे सामान लिया था तो उसको उधार पे कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं उसको उधार पे करने पे आया हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं उधार कैश में ही पे करूंगा,
ओके मोस्ट लाइकली, ठीक है, तो मैं कैश पे करूँगा। तो अगर वहाँ पर ना भी, इसलिए मैं कह रहा था कॉमन सेंस के, अगर वहाँ पर लिखा ना होता स्पेड बाय चेक या आई कैश वगैरह, को बात ना भी लिखी होती, हाई लिखा होता 1000 रुपीज ओइंग टू गाजी लिमिटेड स्पेड, खाली यहाँ लिखा होता किस तरह पे बाय चेक कैश, वो चीज़ वाली बात ना लिखी होती, तो फिर आपकी अजम्पशन यही होनी थी यहाँ पर कि हम कैश पे करेंगे, जाहिर बात उधार पे करना है तो मैं कैश ही पे करूँगा उधार, सही है। बात हर चीज़ बाद पे एंड में आती है कैश के ऊपर है, आप उधार पे चीज़ करवाएं, किसी से सर्विस लें या उधार पे कुछ चीज़ बेचें, सही है, डस नॉट मैटर एंड में, तो वो अभी तो उधार, उधार टेम्प्रोरी होता है, एंड में तो आना ही कैश के ऊपर उसको। तो 14 सितंबर को हमने उधार पे सामान लिया था, वो हमने उधार पे कर दिया गाजी को 1000 रुपये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा है 14 सितंबर, अब 14 सितंबर को क्या हो रहा है कि हम उधार पे कर रहे हैं, तो हमारे पास जॉइंट्री सामने रखी हुई है 9 सितंबर की भी। 9 सितंबर को हमने क्या लिया था, हमने इक्विपमेंट ख़रीदा था और उधार पे लिया था, तो उधार हमारा जो था अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटीज़ वो हमने क्रेडिट करके इंक्रीज कर दी थी, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हम उसी उधार को पे कर रहे हैं, तो उधार हमारा किस में हमने उसको रोक के रखा हुआ है, अकाउंट्स पेएबल के अंदर संभाल के रखा हुआ है, सही है। तो अकाउंट्स पेएबल क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हमने क्रेडिट करके क्रेडिट कर दिया था 9 सितंबर को, तो क्रेडिट करके इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि वो उधार को पे कर रहे हैं, जब ऐसा कि उधार को आप पे कर रहे हैं तो उधार तो ख़त्म हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है उधार बंद हो जाएगा, उधार बंद नहीं, उधार ख़त्म हो जाएगा, सही है। यानी कि अभी आपके ऊपर कितना उधार चढ़ा हुआ है, 1000 रुपये का उधार चढ़ा हुआ है, यू ऑलरेडी एट 1000 रुपीज़ लाइबिलिटी, सही है। लेकिन वो उधार अब आप जीरो पे ले आएंगे, जब आप पे कर देंगे तो उधार पर, तो उधार क्या होगा, वो 1000 से जीरो पे आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो उधार, सही है। तो उधार आप जो पे कर रहे हैं वो अब आपको रिड्यूस करना है यहाँ पर, सही है। लाइबिलिटीज़ उधार क्या है, लाइबिलिटीज़, राइट, तो लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है, कम करना है, ओके। तो लाइबिलिटी जो है, हम पढ़ चुके हैं कि लाइबिलिटी जो होती है उसको कम करने के लिए क्या होगा कि आप उसको दूसरे इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले आएंगे, तो लाइबिलिटी का प्लस साइन क्रेडिट साइड पर है, लाइबिलिटी क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लाइबिलिटी अपना उधार पे ऑफ कर रहे हैं, हम उस उधार का पैसा दे दे रहे हैं ताकि हमारे ऊपर से उधार उतर जाए, सही है। उधार आपका कम हो रहा है, आप ऑलरेडी उधार 1000 रुपये का उधार चढ़ा हुआ है, आप उसको जीरो पे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे 1020, तो उसको रिड्यूस करने के लिए लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ को हमें कम करना है, तो लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए आप उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी जो है उसको हम डेबिट कर देंगे, अकाउंट क्या होगा, अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमें अकाउंट के नाम को सोचने की ज़रूरत ही नहीं, अकाउंट नेम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, हमें उसी को मैंने उसको कॉपी कर लिया, तो अकाउंट्स तो पेबल गाजी नाम तो लिखा हुआ है, हम उसी उधार को पे कर रहे हैं गाजी लिमिटेड वाले को, हमने वही अकाउंट उसका बंद करना है, ज़ीरो पे ले आना है क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं उधार, तो इस वजह से जो उसके अकाउंट जो है, अकाउंट नेम वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। तो 1000 रुपये जो है उसका हमें उधार पे कर रहे हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हमने जो अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है उसको हमने डेबिट कर दिया, डेबिट करने से ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ डिक्रीज बाय, सही है, मैं डिक्रीज भी लिख दे रहा हूँ और माइनस का साइन भी दिखा देता हूँ, माइनस से प्लस, ताकि आपको क्लियरली रख पता रहे। सो लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई हैं 1000 से, ठीक है। अच्छा, अब डेबिट क्रेडिट क्या करें, ओके तो आपको वहाँ बता दिया गया है कि वी आर पेइंग गाजी बाय चेक, जैसे मैंने आपको समझाया कि ज़ाहिर सी बात है कि आप कैश पे करेंगे, कैश पे करेंगे तो उधार उतरेगा, ठीक है ना, तो कैश पे किया जा रहा है, और अब तक आप सीख चुके होंगे कि कैश क्या होगा यहाँ पर, सही है। तो मैं दोबारा बहुत ज़्यादा उसमें तमहीद नहीं बांधूंगा यहाँ पर, सही है। तो क्यों हो रहा है भाई, कि जाहिर बात है कि जब जब आपके अकाउंट में जितना पैसा रखा हुआ था, आपके बैंक अकाउंट जितना पैसा रखा हुआ था, उसमें से 1000 रुपये कम हो रहा है, 1000 रुपये से क्या कर रहे हैं, अपना उधार पे कर दे रहे हैं, 1000 रुपये कम हो जाएगा, जितना अकाउंट में पैसा रखा हुआ 10000 रुपये रखा हुआ है, आप उसमें 1000 लेकर उधार पे कर रहे हैं तो 9000 रह जाएगा, तो आपका बैंक या कैश जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो उसको
बैंक कैश कैमरा एसेट है, एसेट को रिड्यूस करते कैसे हैं, एसेट को रिड्यूस करते हैं आप क्रेडिट करके, ठीक है ना भाई। तो हम ये करते हैं, बैंक कैश जो होता है ना, ये कैश वाली जो एंट्री होती है, बहुत अकाउंट, ये अकाउंट जो होता है ये बहुत कॉमन अकाउंट है, ये अक्सर जगहों पे आता रहेगा, तो कभी डेबिट होगा कहीं क्रेडिट होगा, कहीं डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तो यू कैन सी आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। काफ़ी सारे मल्टीपल टाइम्स हमने करा बैंक कैश 1000 क्रेडिट करा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक कैश हमारा क्या है, हम पढ़ चुके हैं एसेट है राइट, ऐसे क्रेडिट करके आप उसको डिक्रीज करते हैं, सही है। तो एसेट जो है हमारा वो डिक्रीज हो रहा है कितना, कितने से 1000। तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, देखें यहाँ पे दोनों साइड डिक्रीज हो रही हैं, अब तक हम यहाँ नहीं पहुँचे थे, दोनों साइड हम या तो दोनों साइड इंक्रीज कर रही थी, एसेट भी इंक्रीज कर गया, लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर गई, ठीक है। और क्या हुआ, ऊपर एसेट इंक्रीज करा, कैपिटल इंक्रीज करा, सही है। अब तक हमने यही देखा था कि दोनों साइड डिक्रीज, और वो देखने इट मेक्स सेंस ऑब्वियसली, कि जाहिर बात है कि जैसे हमें इक्वेशन बैलेंस रखनी है, तो जाहिर बात है कि हर दफ़ा ऊपर ही नहीं जाएगी, हर चीज़ कभी नीचे भी जा सकती है, तो लाइबिलिटी जब नीचे गई क्योंकि आपने उसको धार अपने अपना पे कर दिया, तो लाइबिलिटी कम हुई, तो जाहिर सी बात है कि जब लाइबिलिटी वाला साइड जो है, क्रेडिट साइड जो है जब वो कम होगा, तो ये वाला साइड जो लाइबिलिटी वाला साइड है वो जब कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको दूसरे साइड पर डेबिट साइड पर किसी चीज़ को कम करना पड़ेगा, सही है। और वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था कैश पे कर रहे हैं आप, तो आपने कह दिया भाई कैश, आपको पता था कि कैश इज एन एसेट, तो एसेट को आपने क्रेडिट करके रिड्यूस कर दिया, इसलिए अगर लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है तो एसेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिर एक्सपेंस रिड्यूस होता, कुछ तो रिड्यूस होता डेबिट साइड से, ठीक है। और अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी हम जर्नल एंट्री जो हम कर रहे हैं उसमें इतना एक जर्नल एंट्री करने में हमें इतना टाइम लग रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर इतना टाइम लगेगा यही जर्नल एंट्री करने में, हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे ये सब काम, जब तक एग्ज़ाम तक पहुँचेंगे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और जब तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना, तो आपको ये चीज़ें जल्दी एनालाइज़ कर लेंगे, पढ़ते ही समझ जाएंगे कि करना क्या, कौन से दो अकाउंट आएंगे यहाँ पर। अभी टाइम इसलिए लग रहा है कि हम नई नई चीज़ अभी सीख रहे हैं, इसलिए एक एक चीज़ को बार बार स्टेप को मैं एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पेड ऑफ पेड गाजी लिमिटेड लाइबिलिटी, तो हमारी लाइबिलिटी भी डिक्रीज कर गई, एसेट भी डिक्रीज कर गया, दोनों साइड डिक्रीज करें तो इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। फिर हम आते हैं 15 सितंबर, तो 15 सितंबर को हम आते हैं, तो 15 सितंबर की आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, 15 सितंबर इज व्हाट इज हैपनिंग, बिजनेस प्रोवाइड सर्विसेज फॉर 4000 रुपीज कैश, ओके, बिजनेस प्रोवाइड सर्विसेज, अब सर्विस किसको प्रोवाइड करेंगे, सर्विस आया था कि आप बैंकर को तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, सर्विस आप ओनर को तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, सर्विस आप मैनेजर को तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, सर्विस किसको प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर को देंगे, सही है। तो वहाँ कस्टमर का वर्ड नहीं आया है, लेकिन आपकी एजम्पशन वहाँ पर इजीली क्या समझ सकते हैं, कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि कस्टमर को ही आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बिजनेस प्रोवाइड सर्विसेज फॉर 4000 रुपीज कैश, यानी कि बुशरा ने 4000 रुपये का सर्विस प्रोवाइड करी, अब वहाँ पर उन्होंने क्लियरली जानबूझ के लिखना हमें पड़ा, ओके, और वो लिखा होगा कि किस तरह सर्विस प्रोवाइड करी, क्या उधार पे सर्विस दी उसने या कैश सर्विस दी, ठीक है। वहाँ क्लियरली वहाँ लिख दिया गया है कि 4000 रुपये कैश, यानी कि उसने कैश के ऊपर कस्टमर्स का काम करा, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि ये इसका शायद हो सकता है मे बी ये ब्यूटी सलोन हो, हु नोस, मे बी राइट, सो इट कोई मेकअप वेकअप का चीज चक्कर भी हो सकता है वहाँ पर। एनीवे, सो बिजनेस प्रोवाइड सर्विसेज फॉर 4000 रुपीज, तो बिजनेस ने 4000 रुपीज सर्विस दी उसने कस्टमर्स को, और उसके बदले में उसको कैश मिला 4000 का, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि अब कस्टमर को सर्विस देगी बुशरा, तो कस्टमर क्या देगा, बदले में कैश दे रहा है वो, सही है ना, कैश कमा रही हो वो। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ आएंगी। अच्छा, तो अब तक हम करते क्या आए हैं, हमने एसेट को टच करा है, हमने एसेट को डेबिट भी करा है, एसेट को क्रेडिट भी करा है, हमने लाइबिलिटीज़ को भी क्रेडिट करा है, हमने लाइबिलिटीज़ को डेबिट भी करा, क्रेडिट भी करा है, हमने ओनर्स कैपिटल का भी हमने क्रेडिट करके देखा है किस तरह होता है, सही है ना। तो हमने एसेट, लाइबिलिटी, ओनर्स कैपिटल, हमने तीन चीज़ें तो हमने कवर करी हैं, उनको कुछ को डेबिट करा, क्रेडिट करके हर तरह कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या चीज़ें आएंगी, अब आपको सोचना है, आपको
आपने बुशना ने सर्विस प्रोवाइड करी कस्टमर को और कस्टमर ने उसके बदले उसको कैश दिया, यानी कि उसके पास जितना कैश था उसके पास बैंक अकाउंट में उसमें 4,000 की इंक्रीज हो गया, सही है ना। इसलिए ज़्यादा पता है कि कस्टमर ने जब कैश दिया तो अगर मेरे पास बैंक में 10,000 रुपये पड़े हुए थे तो अब वो 14,000 हो गए, सही है, तो मेरे पास 4,000 और इंक्रीज कर गया। तो कैश है तो कैश वाला मतलब क्या है, कैश वाला अकाउंट ही आएगा, कैश बैंक या बैंक कैश जो भी आप कह लें, ठीक है, तो कैश वाला अकाउंट आएगा। तो कैश क्यों आएगा कि कैश जैसे मैंने कहा इंक्रीज हो रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है कैश, और कैश को इंक्रीज कैश के हमारे बैंक क्या है, एसेट है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स ये पढ़ चुके हैं। एसेट जो है वो इंक्रीज कैसे होता है, एसेट को इंक्रीज करने के लिए आप उसको डेबिट करते हैं, वी ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट, हमने पहली जल एंट्री जो थी उसमें भी यही काम करा था हमने, राइट, सबसे पहली वाली बैंक कैश को हमने डेबिट करके इंक्रीज करा था जब बिजनेस के अकाउंट में पैसा डाला गया था। यहाँ पर भी कैश जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एसेट इंक्रीज, तो एसेट को हम इंक्रीज कर रहे हैं 4,000 से, ठीक है ना, एसेट इंक्रीज बाय 4,000। अच्छा, अब यही आप जैसे वही मसला होता है कि इक्वेशन हमारी क्या है कि भाई इक्वेशन का मसला है कि एसेट तो इंक्रीज कर गया तो अब किसी चीज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा या क्रेडिट साइड पे किसी चीज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। किस सतीश कोई क्वेश्चन है, चले ओके, तो हमें ये सोचना है अब क्या सर्विस प्रोवाइड की गई है, सही है ना, तो सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब क्या आएगा कि सर्विस दी जा रही है तो अब वो किसके अंदर आएगा, सही है, तो वो हमें सोचना पड़ेगा। सर्विस देने का मतलब ये होता है कि वेल एसेट क्या होता है, आपका असासा, आपकी कोई चीज़ है, आपकी मिल्कियत है, आप उसको इस्तेमाल करके कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपका असासा तो नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है, आप किसी को कुछ सर्विस दे रहे हैं या कोई चीज़ बेच रहे हैं तो इट्स नॉट योर असासा, इट्स नॉट योर एसेट देन, बिकॉज आपके आप उसको यानी कि आप सर्विस दे रहे हैं, यानी कि एसेट का तो डेफिनेशन ही दूसरी चीज़ है बिल्कुल, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो एसेट तो कह रहा है कि जो मेरी जिस जो ऐसी चीज़ जो मेरी मिल्कियत हो जिसको मैं इस्तेमाल करके कमाई करूँ, यहाँ पर तो हम सर्विस दे रहे हैं तो उसमें अब मेरी मिल्कियत क्या है वो, राइट, उसमें तो कोई मिल्कियत मेरी जो मिल्कियत बन रही है, जो मेरी चीज़ में अब एसेट बन रहा है वो तो कैश है, लेकिन कैश तो मैंने कर दिया एसेट इंक्रीज, तो क्रेडिट क्या करूँ मैं वहाँ पर, राइट, तो इट कैन नॉट बी एन एसेट, कोई एसेट को और फिर एसेट को हम सर्विस दे रहा हूँ मैं तो सर्विस देने से तो यानी कि कैश हम किसी एसेट को तो डिक्रीज नहीं कर सकते, अगर एसेट को हम क्रेडिट करेंगे, राइट, इसलिए मुझे क्रेडिट करना है ना यहाँ पे, राइट, मुझे अभी यहाँ क्रेडिट करना है, अगर मैं किसी एसेट को क्रेडिट कर दूंगा वहाँ पर तो एसेट को क्रेडिट करने से क्या होगा, एसेट कम हो जाएगा, लेकिन मेरा कुछ इस कम क्या हो रही है, मुझे तो पैसा मिल रहा है, पैसा मेरा और आ रहा है मेरे पास और मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरी चीज़ कम क्या हो रही है वहाँ पर, राइट, कमी तो कोई चीज़ नहीं हो रही, तो कैन नॉट बी एन एसेट, इसलिए कि एसेट कोई चीज़ कम अगर होती तो एसेट को क्रेडिट करके कम कर देता, लेकिन वहाँ एसेट को तो क्रेडिट करूंगा तो वो कम कोई चीज़ तो मेरी हो नहीं रही, तो एसेट क्या करूँ मैं। अच्छा, एक्सपेंस, एक्सपेंस सेम प्रॉब्लम विद एक्सपेंसेस एंड एसेट, जाहिर सी बात है कि एक्सपेंस जो है उसको मैं क्रेडिट करूंगा तो वो कम हो जाएगा, लेकिन मेरा एक्सपेंस कम तो नहीं हो रहा है, कोई ख़र्चा तो नहीं कर रहा हूँ मैं, एक तो मैं कोई ख़र्चा भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं ख़र्चा करूँगा तो मेरा एक्सपेंस होगा बढ़े, मैं यहाँ ख़र्चा भी नहीं, मैं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरे ये कि अगर मैं किसी एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूँ तो क्रेडिट तो उस वक्त होता है जब एक्सपेंस खर्चा कम होता है, मैं तो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी सर्विस बढ़ रही है, राइट, अब तक हमने बात करी नहीं सर्विस उसने दी है, हमने पहली मरतबा 15 साल में सर्विस दी है, तो सर्विस पहले थी कुछ नहीं दी थी, अब सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस तो हमने भी देना शुरू करी है, तो सर्विस तो बढ़ गई तो एक्सपेंस में कैसे चला जाएगा खर्चा, राइट, तो मल्टीपल तरीकों से आप देखें तो एसेट भी नहीं आ सकता वहाँ पर, एक्सपेंस भी नहीं आ सकता। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कुछ राइट साइड पर कोई चीज़ फिर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, सही है, या तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, ओनर कैपिटल इंक्रीज़ होगा, या रेवेन्यू इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा जो डेबिट साइड एसेट है उसको इक्वल करने के लिए, एसेट हम ऑलरेडी इंक्रीज़ कर चुके हैं तो अब क्रेडिट के साइड पे हमें किसी चीज़ को इंक्रीज़ करके इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, उधार, मैं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं उधार कब ले रहा हूँ,
मैं तो उधार लिया ही नहीं है, मैं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ तो उधार की बात ही नहीं आ रही है, मैं तो सर्विस दे रहा हूँ कस्टमर को, उधार के मसला यहाँ कैसे पैदा हो गया? तो लाइबिलिटी आ ही नहीं सकती वहाँ पर। अच्छा, ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल तो होता है कि ओनर जब खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस में, वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, बुशरा तो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रही है बिजनेस के अंदर। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो कर चुकी है 1 सितंबर को, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगी और तो ओनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट करके इंक्रीज कर देंगे, सही है ना भाई? लेकिन अभी तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, अभी तो वो अभी तो वो कस्टमर को सर्विस दे रही है, तो हम वो भी नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा रेवेन्यू, ठीक है? रेवेन्यू आपका पक्का, रेवेन्यू का मतलब क्या है कि भाई रेवेन्यू आमदनी, बेसिकली राइट, आमदनी आप इनकम कह लें उसको, सही है, या आप उसकी नहीं कमाई कह लें, सही है? तो उसकी कमाई जो हो रही है वो कब हो रही है? जाहिर बात है कम आपकी कमाई उसी वक्त होगी जब आप कोई चीज़ किसी को कुछ देंगे, सही है ना भाई? आप एज अ एम्प्लॉई आप अपनी ह्यूमन कैपिटल जो होता है आपका वो आप देते हैं, सही है ना? आप अपना माइंड और ब्रेन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, अपना फिजिकल मेंटल कैपेसिटी जो होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इस्तेमाल के एवज़ आपको सैलरी मिलती है, ठीक है ना? आप वो इस्तेमाल करके जॉब करते हैं, जॉब में आप वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कागजात यात्रा कर रहे हैं, काम करते हैं, तो उसके एवज़ आपको सैलरी मिलती है। सैलरी क्यों मिल रही है? कि आपका आपका फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ें आप कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस के लिए, ठीक है ना? तो यानी कि आप कुछ दे रहे हैं, आप दे रहे हैं तो आपको बदले में सैलरी मिल रही है, सही है? यहाँ पर भी क्या कर रही है वो कि बुशरा के वो सर्विस दे रही है कस्टमर को, जब उसने कस्टमर सर्विस दी तो उसके बदले में कस्टमर ने उसको पैसे दिए, ओके? तो जो पैसे उसने दिए हैं कस्टमर ने, उसके तो हमने कैश इंक्रीज कर दिया, लेकिन उसको कहा जाएगा कि उसकी वो आमदनी हो रही है, सही है ना? उसकी कमाई कर रही है, वो बिज़नेस चला रही है, तो बिज़नेस को ऑपरेशन में कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो उससे कस्टमर जो हैं वो उसको फ़ायदा उठा रहे हैं उससे, तो वो उसको पैसा दे रहे हैं उसकी सर्विस का, ठीक है? तो जो रेवेन्यू होता है ये आपकी जाती है आमदनी या कमाई, ठीक है? तो अब रेवेन्यू, क्योंकि देखें अब तक हमने रेवेन्यू की बात नहीं करी है, अब तक उसने बुशरा ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करा था, यानी कि अभी उसका ऑपरेशन स्टार्ट करा है 15 सितंबर को, तो उसके पास कस्टमर्स आए, उन्होंने काम करवाया और उन्होंने उसको 1,000 रुपये पैसे दिए, चाहे वो एक कस्टमर या दो हों तीन हों, हमें इससे मतलब नहीं है। तो उससे हुआ क्या रहा है कि अब तक उसने देखें उसका रेवेन्यू क्या था, जीरो पे खड़ा था ना, इसलिए अभी तक तो उसने कुछ कमाई नहीं करी, उसने अभी ऑपरेशन ही नहीं की चलाया। अब 15 सितंबर को उसने करना शुरू करा तो पहली कमाई आई है उसकी 4,000 की, ठीक है? तो जीरो से 4,000 पे चले गए कमाई, इन जो आमदनी कह लें, कमाई कह लें, वॉट एवर, सही है, ये इंक्रीज कर गया कितना, 4,000 से 0 to 4,000। वी हैव ओके, शी जस्ट स्टार्टेड ऑपरेटिंग हर बिजनेस, शी स्टार्टेड द बिजनेस एंड ऑन 15th of September फर्स्ट कस्टमर्स केम ऑन 15th of September, शी प्रोवाइड दम सर्विस, सो दैट इनकम, वॉट इफ यू कैन से इनकम, इट्स नॉट द प्रॉपर वर्ड दे आर टू यूज़, बट फॉर नाउ वी कैन यू से इनकम। तो उसकी जो अभी इनकम हुई है वो इनकम क्या हुई है कि दैट इनकम वॉट शी हैज़ अर्न, दैट्स हर फर्स्ट इनकम फ्रॉम, सो दैट्स अ फर्स्ट इनकम, अप टू नाउ शी हैज़ नॉट अर्न एनी थिंग फ्रॉम द बिजनेस, तो दैट्स गोइंग टू बी अप टू नाउ शी लाइक स्टैंडिंग एट जीरो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, सही है? रेवेन्यू के उसके बात की जाए तो जीरो पे खड़ी हुई है, तो अब उसकी 4,000 से इंक्रीज कर गई, सही है? तो यहाँ पर हम जैसे हमने बात करी कि इंक्रीज करना है तो हमें क्रेडिट साइड पर इंक्रीज कर सकते हैं, तो लाइबिलिटी से हम बात के लिए उधार तो हम ले नहीं रहे हैं, उधार को कोई मसला नहीं है यहाँ पे, तो उधार की बात इंक्रीज कर नहीं सकते। ओनर्स के अपने इन्वेस्टमेंट कर नहीं रही तो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की जा सकती यहाँ पे। रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट करके हम इंक्रीज कर सकते हैं, सही है ना? कि हम पहली आमदनी है उसको हमें इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू बच रहा है जिसको हम क्रेडिट करेंगे तो वो इंक्रीज होगा, ठीक है? तो ये आपका सर्विस रेवेन्यू कह लें उसको, या रेवेन्यू कह लें, वॉट एवर।
तो अब हम देख सकते हैं कि हो सकता है फोकस आपको समझ में आई होगी, और जब हम ये और भी इंशाल्लाह अभी हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, इसलिए मेरे पास दो ही चैनल इंट्री रह गई है, उसके बाद हम इंशाल्लाह उसकी डेफिनेशंस देख लेंगे इन सब की चीज़ों की, और फिर हम इंशाल्लाह तो कहें कब तक क्या होता है हमारा। तो एनीवे तो जैसे देखा कि ये आपका अभी तक हमने देखा नहीं था रेवेन्यू किस तरह होता है, रेवेन्यू कमाई जब होती है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो दैट्स हाउ वी विल रिकॉर्ड इट। सही है कि कैश हमने डेबिट कर देंगे, सही है, और सर्विस रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू को इन रेवेन्यू पहली कमाई उसकी हुई, राइट, अब तक कमाई नहीं हुई थी, अब तक इनकम नहीं आई थी, तो उसमें आपका क्रेडिट साइड पे जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा क्रेडिट करके। ठीक है, अच्छा इक्वेशन देखें, अभी भी हमारी बैलेंस है, एसेट लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हुआ, राइट साइड पे रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया हमने, तो दोनों साइड इक्वल आ गए। ओके मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन इज 30 सितंबर, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को दो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अच्छा तो 30 सितंबर द बिजनेस पेड सैलरी ऑफ 1500 रुपीज़ इन कैश। ओके 30 सितंबर को 1500 रुपये उसने सैलरी दी अपने किसी असिस्टेंट को वगैरह किसी वॉट एवर। ओके तो अब वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो कब हुआ भाई, 30 सितंबर को, तो अब हम 30 सितंबर को क्या हो रहा है कि उसने सैलरी दी है, राइट, द बिजनेस पेड सैलरी ऑफ 1500 रुपीज़ इन कैश। ओके तो अब ज़ाहिर बात है सैलरी भी कैश में दी जाएगी, तो चाहे वो बैंक में आए डायरेक्टली पैसा, चाहे वो आप फिजिकल कैश दें, तो डज नॉट मैटर, इट इज़ स्टिल कैश। ओके तो वो बात जो लिखी 1500 रुपीज़ इन कैश, डज नॉट, वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जानबूझ के लिखी गई है, वो जो लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख दी गई। अगर ना भी लिखी हो तो आप, अगर खाली लिखा होता बिजनेस पेड सैलरी ऑफ 1500 रुपीज़, तो आप यही अस्यूम करेंगे वहाँ पर कि सैलरी जाहिर सी बात है कि कैश में दी जाएगी, उधार पर तब क्या सैलरी दे नहीं जाती है कि यू नो 2 महीने बाद सैलरी मिल रही है तो मैं 2 महीने बाद सैलरी दे दूंगा, मैं ये तो होता नहीं है। ओके अनलेस के कोई मसला चल रहा हो बिजनेस के साथ, होपफुली तो भी आपका ऐसा, वो एक बात कहेंगे। एनीवे तो बिजनेस पेड सैलरी ऑफ 1500 रुपीज़ इन कैश। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी एक नई चीज़ें आनी शुरू होंगी कुछ। अब एक बात तो आपको बता दी गई कि कैश में उसे दी जा रही है, तो वो तो मैं खास आपको अब समझ ही जाएंगे कि क्या होगा कैश के साथ। सही है, कैश ज़्यादा पे कर रहे हैं तो कैश को आप पे कर रहे हैं, कैश का है आपका एसेट है, तो आप जब सैलरी पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉई को, तो जाहिर बात है कि बिजनेस के पास, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें जितना पैसा है उसमें से पैसा उतना कम हो जाएगा। सही है, वो जितना पैसा उसकी तरफ से कम होगा वो पैसा चला जाएगा एम्प्लॉई के बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो कैश के साथ क्या होगा, कैश तो एसेट, एसेट हमारा से कम हो रहा है, तो एसेट को कम करने के लिए आप उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश बैंक जो है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं मुस्तकिल, इसलिए मैं तेज़ी से चला गया उसके वो थ्रू। सही है ना, वी ऑलरेडी नो, वी ऑलरेडी डूइंग, हमें इसके बारे में पता है, हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं ये काम, तो कि कैश जब हम किसी को देते हैं पे करते हैं कुछ वगैरह, तो कैश जो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश इज़ एन एसेट, और एसेट को रिड्यूस करने के लिए आप उसको क्या कहते हैं क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं कैश को, हमने मल्टीपल टाइम्स पहले भी कैश को हमने क्रेडिट करा है, जब उधार पे कर रहे थे या ऑफिस सप्लाइज खरीद रहे थे वगैरह वगैरह, राइट, तो इसलिए आई वेंट, हमने पहले, मैंने पहले क्रेडिट लिख दिया इस दफ़ा। ठीक है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आपको, आप कुछ सोच रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि या क्रेडिट समझ में आ रहा है, क्रेडिट क्या होगा, मुझे डेबिट समझ नहीं आ रहा है, तो आप पहले क्रेडिट लिख लें। सही है ना, आपको फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट के हिसाब से क्रेडिट जो है वो एक लाइन छोड़ के नीचे लिख दें उसका, और उसको इंडेंट कर दें। सही है, तो हमें ये तो पता था कि कैश पे किया, कैश पे करके सैलरी दी जा रही है, तो सैलरी बताया कैश जा रहा है बिजनेस के पास, जब कैश जा रहा है तो उसका बैंक अकाउंट कैश एसेट कम हो रहा है, एसेट कम करने के लिए आप उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, वो हमने पहले कर दिया, अब डेबिट क्या होगा, तो एसेट डिक्रीज 1500 रुपीज़, सो एसेट इज डिक्रीज 1500 रुपीज़। तो इसको, अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए या तो लेफ्ट साइड पर ही कोई दूसरी चीज़ पॉजिटिव हो जाए, या तो कोई दूसरा एसेट पॉजिटिव हो जाए, या एक्सपेंसेस पॉजिटिव हो जाएं, या क्रेडिट साइड पे कोई चीज़
नेगेटिव में चले जाए, कम हो जाए, लाइबिलिटीज, ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू वो कम हो जाए। सही है ना भाई? तो अब हमें करना क्या, अब हम यहाँ पर है डेबिट। अच्छा तो मसला ये है कि डेबिट जो है क्या करा जाए, राइट? अब हम सोचें एसेट के बारे में, तो एसेट को अगर मैं डेबिट करूं, तो अब सोचें एसेट क्या है कि भाई हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम सैलरी पे कर रहे हैं। ओके, सैलरी जब पे कर रहे हैं तो सैलरी एम्प्लॉय की जो सैलरी को जो हम पे कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि एम्प्लॉय जो है वो मेरी मिल्कियत है क्या? जाहिर सी बात है एम्प्लॉय मेरी मिल्कियत नहीं है, राइट? एम्प्लॉय को मैं ओन नहीं करता हूँ, वो तो स्लेवरी हो जाएगी, वो तो जाहिर सी बात है, राइट? वो तो गुलामी हो जाएगी, हम यहाँ गुलामी तो नहीं कर रहे हैं, राइट? हम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जब चाहे छोड़ जा सकता है, ओके? मेरा गुलाम तो नहीं है, राइट? वो मेरा नौकर है, उसको नौकरी कहते हैं, मेरा गुलाम नहीं है मेरा, ओके? नौकरी, गुलामी और नौकरी में फ़र्क है। तो जो एम्प्लॉई है वो मैं उसको ओन नहीं करता हूँ, जाहिर सैलरी किसको पे कर रहा हूँ, एम्प्लॉई को, वर्कर को, सही है? तो जाहिर सी बात है वो मेरा, अगर एम्प्लॉई या वर्कर को मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, तो वो मेरा नौकर है, वो मेरा ग़ुलाम नहीं है, ओके? वो मैं और ग़ुलाम नहीं, इसका मतलब क्या है कि मैं उसको ओन नहीं करता हूँ, वो सही है, वो मेरी चीज़ नहीं है, वो मेरा, सही है, वो मैं उसकी मेरी ओनरशिप नहीं है, ओके? तो एसेट क्या है? ओनरशिप। एसेट ऐसी चीज़ जिसको आप ओन करते हो, जिसको आप कंट्रोल करते हो, ये सब चीज़ें आगे आएंगी, मैं अभी जैसा डेफिनेशन ही को आपके बार बार बोल रहा हूँ। तो जिसको जिसको आप ओन या कंट्रोल करके उससे कोई चीज़ मकसद अपना हासिल पूरा करते हैं, राइट? तो जैसे हमने देखा कि कैश हो गया आपका, कैश इज़ योर एसेट, आपका मशीनरी एसेट हो गई, इक्विपमेंट एसेट हो गया, ऑफिस सप्लाइज एसेट हो गए, ठीक है? ये सब एसेट्स हैं कि इनको आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके आप इनको अपने फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है? एम्प्लॉई को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, राइट? अगर कोई आपको इस्तेमाल करे तो आपको बुरा लगता है, राइट? कि मुझे इस्तेमाल करके कोई और चीज़ हासिल की गई, राइट? कोई और उसका बंदे, कोई और मकसद था, उसने अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल करा, इट्स अ बैड थिंग, राइट? इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से दैट, राइट? सो यहाँ पर आप किसी एम्प्लॉय को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज़ योर एम्प्लॉई, ओके? एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से वहाँ आपके पास जॉब कर रहा है, उसकी आप सैलरी दे रहे हैं, वो जब चाहे छोड़ के जा सकता है, राइट? तो उसमें क्या हुआ कि इट कैन नॉट बी एन एसेट देन, राइट? इसलिए कि एम्प्लॉई की सैलरी है, इट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ द एसेट। एसेट तो मेरी मिल्क है, जो मेरी चीज़ ओनरशिप है, तो उसके उसमें ज़िम्मे में उसके दायरे में तो आता ही नहीं ये चीज़। तो व्हाट इज़ देन दैट थिंग, ओके? सो नाउ लेट्स सी, एक्सपेंस क्या हो सकता है? एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज़ आपका जो अखराजात हैं, आपके खर्चे जो हैं बिज़नेस चलाने के, सही है? तो आपके ज़रिए से ख़र्चा, सैलरी क्या है? उस खर्चा जो है उसमें क्या होता है कि उसको आप ओन नहीं करते। बिज़नेस को चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा होगा, अखराजात होंगे, लेकिन वो आपकी ओनरशिप नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली, बिजली आपकी ओनरशिप नहीं है, बिजली आप ओन नहीं करते हैं, लेकिन बिजली के बगैर आप बिज़नेस चला भी नहीं सकते, राइट? बिज़नेस होगी तो मशीन चलेगी तो काम होगा, लेकिन बिज़नेस, सही है? लेकिन तो बिज़नेस का आपको, लेकिन बिज़नेस, सॉरी, आपके जो बिजली है, बिजली इज़ नॉट योर ओनरशिप, बिजली को आप ओन नहीं करते हैं, इट इज़ नॉट योर आइटम, यू कैन डू नॉट ओन इलेक्ट्रिसिटी, राइट? यू कैन ओन अ मशीनरी, यू कैन ओन एन इक्विपमेंट, वो आपके एसेट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, दे आर नॉट योर ओनरशिप, वो आपकी ओनरशिप में नहीं है, ओके? यू डू नॉट ओन देम, यू यूज़ देम, उसके लिए आप पे करते हैं, सही है? वो आपका खर्चा है, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पर, यहाँ क्या बात हो रही है कि यहाँ पर एम्प्लॉई जो सैलरी है, जो आप पे कर रहे हैं एम्प्लॉई को, तो जो सैलरी पर पे कर रहे हैं वो आपका क्या है? खर्चा है। इसलिए कि आप उसको एम्प्लॉई को ओन नहीं करते हैं, तो एम्प्लॉय इज़ नॉट एन एसेट। लेकिन एम्प्लॉई को जो आप पे करना पड़ रही है, वो आपके लिए जो काम कर रहा है एम्प्लॉई, उसके लिए आपको जो पे करना पड़ रहा है, उसका सैलरी, उसकी तनख्वाह जो आप दे रहे हैं, वो आपका क्या है? बिज़नेस चलाने का खर्चा है। नहीं पे करेंगे, नहीं खर्चा देंगे, तो बिजनेस, वो बंदा चला जाएगा, सही है? आपको काम में मुश्किल होगी, सही है? आपके काम अधूरा रह जाएगा, आधा रह जाएगा, नहीं हो सकेगा, बिज़नेस नहीं चलेगा। इसलिए ज़्यादा पता है कि अगर आपके एम्प्लॉई नहीं होंगे आपके साथ, सही है? तो एक इट्स अ नेसेसरी आइटम
सैलरी एक नेसेसरी चीज़ है, राइट। तो इट इज़ सैलरी जो होती है, इट इज़ अ एक्सपेंस, खर्चा है, वो अखराजात हैं बिजनेस के, जिस तरह बिजली पानी गैस है, उसी तरह एम्प्लॉय की सैलरी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो एक्सपेंस है, जाहिर बात है कि अभी तक सैलरी नहीं पे करी उसने थी, अब तक उसने सैलरी नहीं पे करी थी, अब तक सैलरी की जो वैल्यू थी वो ज़ीरो पे थी, अब तक एक्सपेंसेस जो थे वो ज़ीरो पे थे, अभी अब तक खर्चा जो था वो ज़ीरो पे था, अब वो ज़ीरो से 1500 पर चल पहुँच गया, इंक्रीज़ कर गया, तो एक्सपेंस को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सही है। तो इट्स एन एक्सपेंस, क्या नाम देंगे अकाउंट का, उसने क्या करा है, उसने पे सैलरी करी है, तो सैलरी करते हैं आप लिखते हैं, सही है। एक्सपेंस जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर खर्चा जो होते हैं उनके अंदर आप आगे वर्ड एक्सपेंस ले लेते हैं, जो भी हो, वाटर एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, पावर आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सही है, आपका कुछ भी हो, आप एडवर्टाइजिंग इश्तहार देते हैं अखबार में, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, सही है। तो एक्सपेंस अकाउंट जो होते हैं उसमें आप कुछ भी, आपने जो पहला वर्ड होता है आपका कुछ भी हो सकता है, उसके बाद एक्सपेंस ऐड कर दें उसके आगे, सही है, उससे पता चल जाएगा कि ये हम अखराजात की बात कर रहे हैं, खर्चे की बात कर रहे हैं, एक्सपेंस की बात की जा रही है, कौन से एक्सपेंस की बात की जा रही है यहाँ पे, सैलरी की, इसलिए मल्टीपल तरीके के, डिफरेंट तरीके अखराजात कम बिजनेस में होते हैं, राइट। ओके, सैलरी एक्सपेंस आप डेबिट करेंगे और आपका एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो गया 1500 से, और एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया 1500 से। ओके, सो एसेट वेंट अप, एक्सपेंस वेंट अप, एसेट केम डाउन, सो आपका नेट इफेक्ट क्या पड़ गया, जीरो। सो आपका नेट इफेक्ट डेबिट साइड पर ही, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, आपका नेट इफेक्ट जीरो हो गया, एक चीज़ ऊपर गई, एसेट ऊपर, एसेट नीचे आया, एक्सपेंस ऊपर गया, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर गए, नेट इफेक्ट ज़ीरो हो गया। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि क्रेडिट साइड पर, राइट साइड जो इक्वेशन के लायबिलिटीज, ओनर्स कैपिटल और रेवेन्यू, उस साइड पे आप कोई चीज़ टच नहीं करेंगे, इसलिए कि इक्वेशन इज बैलेंस्ड राइट नाउ। एंड द लास्ट जर्नल एंट्री, और लास्ट जर्नल एंट्री हमारी जो है वो है, द बिजनेस रिसीव्ड द वाटर बिल फॉर 750 रुपीज़, बट इट इज़ नॉट ड्यू अंटिल अक्टूबर 15th, राइट। तो अब यानी कि कॉमन सी आपके पास भी होता है कि बिजली का बिल आता है, या पानी का बिल आए, या गैस का बिल आए, वॉट एवर, तो जितने भी जो बिल आते हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट पेड ऑन द सेम डे, दे आर नॉट ड्यू ऑन द सेम डे, आप पे कर सकते हैं उसी दिन, लेकिन ड्यू नहीं होते हैं, तो वो कुछ टाइम देते हैं, आपको कुछ मोहलत देते हैं कि एक हफ्ते के अंदर आप पे कर दीजिएगा, 15 दिन के अंदर पे कर दीजिएगा ये बिल, और अगर आप पे नहीं करेंगे तो उसके बाद वो आपको बता देते हैं कि भाई इतना पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर, सही है। तो बिजनेस रिसीव्ड द वाटर बिल फॉर 750 रुपीज़, बट इट इज़ नॉट ड्यू अंटिल 15th। अब यहाँ क्या हो रहा है कि बिल तो आ गया, 750 रुपये का बिल आया है, वाटर बिल, लेकिन वो ड्यू डेट क्या है, 15 अक्टूबर को, सही है, 15 अक्टूबर को हम पे कर सकते, 15 अक्टूबर तक हमारे पास टाइम है, हम पे करें। बुशरा कहिए कि सही है, 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर को पे करूँगी मैं, हमें बिल क्यों पे करूँ, ओके, वो पैसा जो है वो मेरे पास रहेगा, तो मैं उससे कुछ चीज़ कोई मसला हल कर सकती हूँ, कोई काम में आ सकता हूँ पैसा, अभी क्यों बिल पे करूँ, जब तक मुझे मोहलत दी गई है 15 अक्टूबर, तो 2 हफ्ते तक मैं पे करूँगी, 2 हफ्ते बाद पे करूँगी, 15 अक्टूबर को पे करूँगी बिल। तो अब लेकिन अब क्या हुआ कि हम जर्नल एंट्री, आप सोचेंगे, आप अक्सर जो नए न्यू अकाउंट आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता अकाउंटिंग में, वह क्या करते हैं कि इस तरह कोई सवाल अगर एग्ज़ाम में आए ना, तो वो जर्नल एंट्री करते ही नहीं है, वहाँ पर वो कहते हैं सही है, अभी हम कुछ पे नहीं कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्यों करें, बिल आ गया है, पे करना है 15 अक्टूबर को, तो अभी क्यों पे, अभी तो पे नहीं कर रहे, तो फिर जर्नल एंट्री किस चीज़ की करें, हम जर्नल एंट्री नहीं करते। मैं कहें अक्रूअल अकाउंटिंग इस बात को नहीं मानती, आप कैश अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, आप अक्रूअल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, राइट। अक्रूअल अकाउंटिंग क्या कहती है कि जब भी जो चीज़ इवेंट हुआ है उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना है, सही है, जब भी जो इवेंट हुआ है उसको उस वक्त रिकॉर्ड कर लेना है आपको,
अब हम आगे पढ़ेंगे, कहीं शायद आएंगे, कहीं ऐसे इवेंट हो रहे होते हैं कि एक्सेप्शंस हैं उसकी, कि हो सकता है कि अभी आपने, अभी जैसे ऑफिस सप्लाइज की हमने बात करी, सही है, कि बिजनेस परचेजेज ऑफिस सप्लाइज फॉर 2500 रुपीज़, हो सकता है कि वो ऑफिस सप्लाई हम कहते हैं कि परचेज नहीं करा है, ऑर्डर करा है। अगर हम कहते हैं बिजनेस ऑर्डर्ड ऑफिस सप्लाईज, यानी कि उसने ऑर्डर डाला है, शायद हो सकता है ऑनलाइन खरीद रही हो, इंटरनेट पर खरीद रही हो चीज़, तो उसने भी ऑर्डर डाला है, दो दिन बाद या हफ्ते भर बाद वो ऑर्डर आएगा। ओके, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑर्डर डाला जा रहा है ना, वो ऑर्डर की फिर आप जल एंट्री नहीं करेंगे, इसलिए अभी कोई एक्टिविटी हुई नहीं है, सही है ना, वो सामान आपके पास आया है ना, आपने किसी को कोई कुछ पे करा है ना, उधार पे सामान लिया है कि मैं उधार पे सामान ले लिया कि मैं बाद में पे कर देंगे, ना आपने अभी सामान लिया और ना उसने पहुंचा भी नहीं और आपने कुछ पे भी नहीं करा, फौरन कैश भी नहीं दिया, उधार पे भी नहीं हुआ है, सही है। तो अगर हम कहते हैं कि वो ऑफिस सप्लाईज ख़रीद रही है लेकिन वो ऑर्डर करा है, परचेज़ की बजाय वहाँ लिखा होता बिजनेस ऑर्डर्ड ऑफिस सप्लाईज, तो फिर वहाँ पर चल एंट्री नहीं करते आप, सही है, क्योंकि तो उसने ऑर्डर करा है, अब वो जब पहुंचेगा, हाँ जब वो पहुंच जाएगा, जब डिलीवरी हो जाएगी तब चल एंट्री की जाएगी, फिर कहा जाएगा कि भाई हमारे पास सामान आ गया, उसके साथ एक बिल भी आया हो सकता है, या हो सकता है कि वो यू नो COD हो, कैश ऑन डिलीवरी हो, तो कैश ऑन डिलीवरी तो हमने कैश पे करा और उसके और सामान ले लिया हमने, तो उस वक्त हम फिर जल एंट्री करेंगे उसकी जब डिलीवरी होगी, लेकिन ऑर्डर के वक्त फिर हम जल एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर का बिल आ चुका है, अभी आपने ये नहीं है कोई समथिंग है कि कोई पानी ऑर्डर करा है या कुछ इस तरह का चीज़, वाटर का बिल तो आ चुका है, आप अभी उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो वो तो कैश का बात होती है, कैश अकाउंटिंग करते थे फिर हम कहते कि भाई जब हम पे करेंगे तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, नहीं, हाँ, लेकिन अक्रूअल अकाउंटिंग क्या करके, जब तुम्हारा पास बिल आ गया, एक साइड ने एक काम कर दिया है ना, बिल तो उन्होंने दे दिया, सही है ना, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो उन्होंने बिल तो भेज दिया आपके सर आपके पास, जब बिल आ गया आपके पास तो आपको उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, सही है। और आपके साथ पता है कि हर जल एंट्री में आपको दो अकाउंट्स होते हैं, तो एक अकाउंट तो आ गया बिल के चक्कर के अंदर, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा वो समय पढ़ेंगे किस तरह होगा ये। तो वी हैव टू रिकॉर्ड जल एंट्री, इसलिए आपके पास बिल आया है, सो यू हैव टू रिकॉर्ड जल एंट्री इन रिगार्ड्स टू दैट। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब आपके देखिए वही वाली बात जो भी मैंने आपको सैलरी एक्सपेंस की डिटेल पढ़ाई, ओके, तो उसी तरह का यहाँ पर कि आपने पानी इस्तेमाल करा ना, जब भी तो बिल आया है, अगर पानी इस्तेमाल करते तो बिल भी नहीं आता, होपफुली जब होता है सही तरीका तो यही होता है, राइट, ये अलग बात है कि हमारे पास कभी कभी बिल आते हैं जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल भी नहीं करा होता, वो भी उसका ही बिल पहुँच ही जाता है सर पे, लेकिन चलें वो दूसरी चीज़ है। तो एनीवे, तो अब हमारे क्या हुआ कि हमने पानी इस्तेमाल करा, जो भी हम बिज़नेस चला रहे थे उसमें जिस तरह के बिज़नेस का व्हाटएवर, तो हमने पानी इस्तेमाल करा, जब पानी इस्तेमाल करा तो जाहिर सी बात है कि हमने महीने भर पानी इस्तेमाल करा, तो महीने के आखिर में जिसने हमें पानी की सर्विस दी थी उसने हमें बिल भेज दिया वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने, सही है ना। तो इसलिए यहाँ पर अब क्या होगा कि आप अब पानी क्या है आपकी, क्या आप सोचें, अब यानी कि आपका पानी जो है आपने इस्तेमाल करा, पहले आप अब तक पानी इस्तेमाल करते अब तक बिल नहीं आया था आपके पास, आपके पास बिल आ गया है, सही है, तो यानी कि आपका खर्चा आपका जो है वो बढ़ गया, पानी का खर्चा हुआ ना बढ़ गया वो, ओके, पानी इज़ नॉट एन एसेट, आप उसको ओन नहीं करते हैं, आपको अभी समझाया है मैंने सैलरी के अंदर, राइट, कि पानी जो है, वाटर जो है इज़ नॉट योर एसेट, यू डू नॉट ओन द वाटर, ओके, वाटर यू आर यूजिंग द वाटर टू कम्प्लीट समथिंग योर ऑपरेशंस, बट टू परफॉर्म योर वर्क, टू कम्प्लीट योर वर्क, बट यू इट्स नॉट योर एसेट, यू डू नॉट ओन वाटर, ओके, सो वाटर कैन नॉट बी एन एसेट, ओके, वाटर इज नॉट एन एसेट, ओके, आपके लिए। तो आपके पास बचा क्या फिर, एक्सपेंस, और वो बात समझ में आती है, एक्सपेंस खर्चा है आपका, ये आप पानी आप इस्तेमाल करें वो आपका क्या है, खर्चा बन रहा है, राइट। तो इसी जो सैलरी में आपको एक्सप्लेन कर रहा था मैंने ये सारा चीज़ें, तो इसी तरह आपका यहाँ पर ये आएगी और इसको हम बोलेंगे आपको, इसको आप वाटर एक्सपेंस कह लें, आप पानी का है ना, तो वाटर एक्सपेंस कह लेते हैं हम इसको, या एक दूसरा नाम होता है इसका यूटिलिटीज़ एक्सपेंस, यूटिलिटीज़ भी हैं भी आपको पता हो, पानी बिजली वगैरह को यूटिलिटीज़ भी कहा जाते हैं, राइट।
अच्छा, तो वाटर एक्सपेंस हमारा है 750। तो अभी क्या हुआ कि आपका जो एक्सपेंस है वो दोबारा इंक्रीज कर दिया आपने उसको, यहाँ पे डिजिटल एंट्री जो है आपके, इसमें भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है। और जैसे मैंने जब पढ़ा रहा था डेबिट क्रेडिट वगैरह, तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि अक्सर आप देखेंगे कि एक्सपेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है, 99.9% ऑफ द टाइम एक्सपेंस इंक्रीज ही होता है। कहीं ऐसी जो जगह होती है कहीं एक्सपेंस डिक्रीज भी होता है, ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंस यूजुअली इंक्रीज होता है। आप वो भी समझ सकते हैं, खर्चा अखराजात जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज ही होते हैं, ओके। तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब एक्सपेंस आपने इंक्रीज कर दिया, तो अब हम क्या करें कि या तो कोई एसेट उसको डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस हो, या क्रेडिट साइड पे या तो लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या ओनर्स कैपिटल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अच्छा, हमने एक्सपेंस जो है इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि पानी क्या है आपका, ये खर्चा है, राइट, आपका इज़ नॉट एन एसेट, सो आपका अखराजात में आता है वाटर का इस्तेमाल, जिस तरह बिजली का इस्तेमाल हो, गैस का इस्तेमाल हो, तो ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस आपने ज़्यादा पता है कि आपका अब तक आपने बिल नहीं आया तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ नहीं हुआ था पानी का। अब पानी का बिल आ गया तो आपका खर्चा आपने देखा कि भाई कितना इंक्रीज़ हुआ, अच्छा भाई 750 रुपये मेरा खर्चा हो गया पानी का, सही है। तो 0 to 750 इंक्रीज़ करना है, एक्सपेंस को इंक्रीज़ करने के लिए आपने डेबिट कर दिया। अच्छा, अब क्या करें क्रेडिट, अब एसेट सोचते हैं, एसेट को क्रेडिट करेंगे, तो एसेट को क्रेडिट करने से क्या होता है, एसेट क्रेडिट करते हैं तो कम होता है, रिड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे मैं कम क्या करूँ, यहाँ पर तो एक्सपेंस में कैश तो मैं पे नहीं कर रहा हूँ, कैश पे करता तो सही है, फिर कैश कम हो जाता तो कैश क्रेडिट कर देता, कैश इज़ एन एसेट, तो एसेट क्रेडिट करने से डिक्रीज़ कर देता कैश को, लेकिन मैं तो कैश अभी पे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि 15 अक्टूबर तक इसकी ड्यू डेट है, तो मैं 15 अक्टूबर को पे करूँगा, अभी तो मैं कैश पे ही नहीं कर रहा। अच्छा, तो कैश तो नहीं जा रहा मेरा, तो इट कैन नॉट बी एन एसेट, तो फिर बचा क्या, तो अब आएंगे, अब यानी कि एसेट को डिक्रीज़ नहीं कर सकता मैं, देर इज़ नो एसेट, क्योंकि मैं बिल पे नहीं कर रहा हूँ अभी, और एक्सपेंस मेरा खर्चा ऊपर निकल चुका है, तो इसको फिर इसका मतलब है कि मेरा क्रेडिट साइड पर मुझे कोई चीज़ बढ़ानी होगी, इंक्रीज़ करनी होगी ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। क्रेडिट साइड पे आपके पास जो तीन चीज़ें हैं उसमें देखें तो आपका क्या हो रहा है कि अब अभी जो बिल आपको मिलता है ना, वो जो बिल आपको मिलता है वो जब पोस्ट पेड जिसे कहते हैं, सही है, पोस्ट पेड, तो पोस्ट पेड जो बिल जो आता है वो बेसिकली क्या है कि आपने देखें बिल, आपने जो क्या है यहाँ पानी, अब पानी बुशर ने इस्तेमाल कर लिया, उसने सर्विस ले चुकी है, लेकिन अब तक उसने पे नहीं करा है उस चीज़का, तो जब सर्विस आप ले लेते हैं और पे ना करें उसका, तो आपने क्या बेसिकली कर, आपने उधार पे सर्विस ली है, सही है ना, इसलिए को पे तो करना है ना, जाहिर सी बात है, उम्मीद होगी कि आप पे करेंगे, राइट। तो पे करने का यहाँ पे हम देख चुके हैं कि अगर आपने जैसे जब उसने गाजी लिमिटेड से जब उसने चीज़ ली, तो वहाँ पर क्या करा उसने कि उसने, हमने समझा कि उस वक्त क्या हुआ कि उसने इक्विपमेंट ख़रीदा उधार पे, उसने पे नहीं करा, तो उस वक्त उसके 5 दिन बाद उसने उसको फिर अपना उधार पे ऑफ करा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि आपका एक्सपेंस तो चढ़ गया, क्यों हुआ एक्सपेंस चढ़ गया आपका, कि आपने पानी इस्तेमाल करा है, आपका खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन आप पानी इस्तेमाल कर चुके हैं महीने का, और क्योंकि आप पानी इस्तेमाल कर चुके हैं उसी का बिल आया आपके पास आया है, तो पानी आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो अब वो आपने क्यों कैसे इस्तेमाल करा, जाहिर बात है आपने फ़ौरन कैश तो पे नहीं करा, आपने ये तो नहीं, उसने पूछना नहीं आकर कोई डेली कैश तो नहीं पे करती थी कि डेली कैश पे करती तो उतना उसको पानी मिलता था, राइट, कोई मीटर पर लगा हुआ नहीं था ये, कोई पैसा कोई इस तरह का कोई चीज़ मीटर पे, तो ये क्या हो रहा था वहाँ पर कि जाहिर सी बात है उसने पानी पूरा जब इस्तेमाल कर लिया महीने का तो अब बिल आ रहा है, तो जो उसने पानी इस्तेमाल करा है वो एक तरह से उसने उधार पे इस्तेमाल करा, सर्विस ले ली है, पानी की सर्विस ले ली लेकिन वो उधार पे ली है, सही है, इसलिए अब बिल आया है, अब बिल को हम पे करेंगे 15 अक्टूबर तक, सही है। तो क्योंकि उसने एक तरह से जब बात फिर आगे उधार की बात आ गई, उसने उधार पे वो सर्विस ले ही है अब उस महीने के दौरान, तो उधार की जब हम बात आई तो फौरन ही आपका फौरन वर्ड आ गया लायबिलिटीज, सही है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, इसलिए कि अब तक बिल नहीं आया था तो लायबिलिटी हमारी जो थी अकाउंट्स पेएबल तो वो जीरो पे खड़ा हुआ था, अब वो जीरो से 750 तक पहुँच जाएगा, इंक्रीज़ करना है तो लायबिलिटी हम क्रेडिट करके उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये कौन सा लायबिलिटी नाम होगा, वो लायबिलिटी बनेगी अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स
अकाउंट्स पेबल हम के डब्ल्यू एस पी का दे देते हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वगैरह, सही है। तो आपने क्या करा कि आपने कहा कि मेरा खर्चा बढ़ गया पानी का, तो खर्चा होता है एक्सपेंस इंक्रीज कर दिया आपने डेबिट करके, और क्योंकि अभी आप बिल पे नहीं कर रहे हैं, बिल को आप पे करेंगे 2 हफ्ते बाद, मगर आप सर्विस तो ले चुके हैं उसकी। जब आप सर्विस ले चुके हैं तो आपने अब तक बिल नहीं, पैसा नहीं दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने सर्विस ली है उधार पे। जब उधार का हमने वर्ड इस्तेमाल कर लिया तो आ गई लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटी जाहिर बात है कि उधार इंक्रीज़ हो रहा है, सही है। तो उधार इंक्रीज़ करने के लिए आप उसको क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी को आप क्रेडिट करके इंक्रीज़ कर देंगे, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट करके इंक्रीज़ कर दिया आपने। तो लायबिलिटी इंक्रीज 750। सो दोनों साइड जो हैं इक्वेशन की वो इक्वल है, इसलिए कि दोनों साइड इंक्रीज कर गई हमने, एक्सपेंस एक तरफ से इंक्रीज कर गया, दूसरे साइड से लायबिलिटी इंक्रीज कर गई। ये जो हैं ये एंट्रीज जो मैं कर रहा हूँ, इनकी कुछ खास नाम होते हैं जो हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, ये एक्सपेंस लायबिलिटी वाले जो है एंट्री, ओके। इसकी हम जल एंट्री जब उसमें भी करेंगे, लेक्चर 3 में भी करेंगे, और फिर देखेंगे कि इसका खास नाम होता है। एनीवे उसकी फिक्र आपको अभी नहीं करनी वैसे। एनीवे तो वाटर एक्सपेंस अकाउंट्स पेबल तो हमारा हो गया ये पेड, क्या था, नो वाटर अकॉर्डिंग वाटर बिल वाटर एक्सपेंस, रिकॉर्डिंग वाटर एक्सपेंस कुछ भी लिख दें आप थोड़ा सा, सही है। तो हमने वो मैं लिख दिया, कुछ तो आइडिया रहेगा हम क्या नरेशन लिखती है हमारी, ओके। तो इस तरह आपकी जर्नल एंट्रीज होती हैं। अभी आपने कुछ अभी भी कुछ कन्फ्यूजन होगी कहीं कहीं पर, तो उसकी फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो और इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपकी स्लाइड्स में चीज़ मौजूद है, ओके। तो खुद से आप जर्नल एंट्री करें, प्रैक्टिस करें, और आपको फिर क्लियर चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी। सोचें उसको एनालाइज करें कि ये क्या चीज़ हो रही है इसके अंदर, ये चीज़ किस चीज़ में जाती है, एसेट है लायबिलिटी है वगैरह वगैरह, इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ करनी है, तो फिर एसेट के फिर, और फिर आप देखें कि वो चीज़ जो एसेट है लायबिलिटी है ओनर्स कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ कैसे होता है, फिर डिक्रीज़ कैसे होता है, डेबिट करें क्रेडिट करें, उसके हिसाब से फिर आप उसको डेबिट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एनीवे खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन अकाउंटिंग ऑब्वियसली, और उसकी बेसिक वजह बेसिकली क्या है कि आप उसकी वजह जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन पर्पस। हमने बिल्कुल पहले पढ़ा था कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट। तो अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा था कि अकाउंटिंग एज 3 प्राइमरी फंक्शंस, रिकॉर्डिंग डेटा, क्लासिफाइंग समराइजिंग डेटा एंड कम्युनिकेटिंग द डेटा। सो कम्युनिकेशन जो होती है वो किस तरह अचीव करता है, वो तो थर्ड फंक्शन है, वो किस तरह अचीव होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डन टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, सही है, कि बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, उसकी कमाई कितनी हुई है, उसकी नेट इनकम है, नेट लॉस है वगैरह वगैरह, ओके। सो दैट्स व्हाई यू नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सम ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, सही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो आपका दूसरा, उसका जो नया नाम है, पुराना नाम था इसका बैलेंस शीट। आपने शायद किसमें से कभी अकाउंटिंग ना ही पढ़ो तो शायद आपको वर्ड आपने सुना हो बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट का नया नाम जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। IFRS कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पुराना नाम जो था वो था बैलेंस शीट। कितनी जगहों पर अभी भी उसको बैलेंस शीट ही कहते हैं वर्ड, सही है आम तौर पे, लेकिन ऑफिशियल जो नेम है उसका IFRS की तरफ से वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसकी वजह यह है कि वो बैलेंस शीट जो है वो आपको बताती है वजह, आपको बताती है कि आपकी पोजीशन क्या, आपकी फाइनेंशियली आपकी पोजीशन क्या है, आपके कितने एसेट्स हैं, आपके कितने लाइबिलिटीज़ हैं, आपके ओनर्स इक्विटी क्या है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम जो है वो बेसिकली आपकी इनकम स्टेटमेंट हो गई, सही है। उसका वजह उसकी कॉम्प्रीहेंसिव इनकम को कहते हैं, उसकी वजह यह है कि वो हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट जो होती है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट
स्टेटमेंट में जिससे कहते हैं उसमें नहीं डाल सकते हैं, उसको फिर अलग से स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, और उसमें हम उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट इनकम। ओके, ये सब अभी पढ़ेंगे, इसकी डिफिनेशंस डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी, एक्विटी आपकी क्या है, ओनर्स एक्विटी। ओनर्स एक्विटी में जो चेंजेस हो रही हैं, यानी कि जितना ओनर्स एक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुई है, और उसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि ओनर्स एक्विटी के अंदर आप इन ओनर्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है प्लस नेट प्रॉफिट, राइट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंस वगैरह, सही है। तो वो सब चेंजेस जो हैं एक्विटी में, बढ़ा है, कम हुआ है, लोगों ने, कंपनी ने कितनी, ओनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ओनर ने कितना पैसा कंपनी से निकाला है, सही है। तो ये सब जो है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी के अंदर लिखा बनाया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि कितनी एक्विटी के अंदर कितनी चेंजेस हुई हैं, वो सबको एक 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 जा करके दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस जो है बेसिकली आपका कैश किस तरह फ्लो कर रहा है। कैश इज क्रिटिकल टू एवरी कंपनी, बेसिकली एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट। कैश बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कैश बगैर आप ना कुछ खरीद सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। सो कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैश इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसकी अलग से स्टेटमेंट बनाई जाती है कि जिसमें दिखाया जाए कि बैलेंस, मसला होता है कि बैलेंस शीट में कैश लिखा होता है, बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें तो कैश लिखा हुआ होगा, लेकिन वो एक एक लाइन लिखी होगी कैश इतना है, सही है। उसमें आपको बताया जाएगा कि भाई पिछले साल हमारे पास इतना कैश था और इस साल इतना कैश है। अब वो हो सकता है कि इम्प्रूव हो गया हो, कम और इंक्रीज़ हो गया हो, या डिक्रीज़ भी हो सकता है पिछले साल से। तो उसके लिए अलग से स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो भी चेंजेस हुई हैं कैश अकाउंट के अंदर, कैश अकाउंट आपका कंपनी का जो लेजर है, कंपनी का जो अकाउंटिंग बुक्स हैं, उसके अंदर जो कैश जो बैलेंस है वो, उसमें जो भी चेंजेस हुई हैं पिछले साल से, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, तो वो क्या क्या, किस चीज़ ने उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करा, उसकी डिटेल लिखी होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस के अंदर। ओके, बैलेंस शीट में सिर्फ एक लाइन लिखी होगी, एक नंबर लिखा होगा, डस नॉट गिव यू एनी डिटेल। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस के अंदर उस कैश के बारे में उसको हम ब्रेक डाउन करके दिखाएंगे, ब्रेक करके दिखाते हैं कि ग्रुप वाइज वगैरह उसमें देखेंगे, हम वो भी बनाएंगे, ये सब स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस के अंदर हम फिर करके देखेंगे कि किस तरह हम उसको ब्रेक डाउन करके दिखाते हैं कि जो बिगिनिंग बैलेंस है कैश का और जो एंडिंग बैलेंस है कैश अकाउंट में, उनमें जो एक्टिविटी पूरी कैश की हुई है अकाउंट में, उसको हम करके दिखाते हैं उस कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस के अंदर। तो ये चारों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये चारों की चारों हम इंशाल्लाह हम भी कोर्स में बनाएंगे, और लेक्चर 3 में हम फर्स्ट 3 बना लेंगे, और फिर हमारा जो आखिरी लेक्चर तकरीबन होगा लेक्चर 9 या 10th, यूनिट 9 या 10th कह लें, लेक्चर तो नहीं, यूनिट 9 या 10 हम कह लें, तो वो कैश फ्लो के ऊपर ही होगा, और उसमें फिर हम देखेंगे कैश फ्लो किस तरह बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। ओके, तो फाइनेंस स्टेटमेंट्स किस तरह बनाई जाती हैं ये हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं थोड़ा बहुत। फाइनेंस स्टेटमेंट्स रिलेट टू अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज द फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग पीरियड, हर अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर जो भी कह लें, रिपोर्टिंग पीरियड कह लें या अकाउंटिंग पीरियड कह लें, उसके मुताबिक एक आपकी फाइनेंस स्टेटमेंट्स बनती हैं। आपके रिपोर्टिंग पीरियड या अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली आए तो आपका एक महीना या 3 महीने या आपके 1 साल, सही है। अब तक साल से ज़्यादा नहीं हुआ है कभी अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन साल से कम हो सकता है, 1 महीना, 3 महीना या पूरा 12 महीने। तो हर महीने अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है वो बंद हो जाता है, पुराना अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, सही है ना। हर महीना आपका दायित्व है कि आप पुराना ख़त्म करके नया स्टार्ट करेंगे, और तो हर महीना जो है अकाउंटिंग बुक्स तैयार की जाती हैं होपफुली, यानी कि जहाँ पर बड़ी कंपनीज हों या ऐसी कंपनी जहाँ पर ये काम सीरियसली करा जाता, सीरियसली किया जा रहा हो, तो वहाँ पर की बात की जा रही है। तो यूजुअली आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है वो आपका हर महीने क्लोज होगा, आपके सारी फाइनेंस स्टेटमेंट्स बनेंगी वगैरह वगैरह। फिर 3 महीने उसको कहते हैं क्वार्टर, हर क्वार्टर पर फाइनेंस स्टेटमेंट्स बनती हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह। और फिर जब साल गुजर जाता है तो फिर एक एनुअल उसकी भी एक पूरा बनाई जाती है कि हमारा इस साल में कितनी इनकम हुई और इस साल में हमारे कितने एसेट्स लायबिलिटीज़ हैं। जो
जो फाइनल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और वो IFRS जो हम पढ़ चुके हैं IFRS कहलाते हैं। उसके अलावा जो हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो मेन सोर्सेज ऑफ गैप क्या हैं आपके पास, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। IFRS जो होता है वो उसको कहाँ से आ रहा है, हमारा पाकिस्तान में है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से आ रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे क्या हैं, IFRS और कंपनी लॉ। कंपनी लॉ हमारे पाकिस्तान में क्या है, कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट जो 2017 है वो 2017 में एक्ट बना था, जो हर कंपनी, जो पब्लिक कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो भी कंपनी है उसको फॉलो करना है। ओके, उसको उस रूल्स रेगुलेशंस में बताए गए हैं कि पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करना है वगैरह वगैरह। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज़ द बैलेंस शीट। मैं उसको लाइन बाय लाइन यहाँ नहीं पढ़ूंगा ये सब चीज़ें। इट्स ओके, तो बैलेंस शीट होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभी भी अक्सर लोग उसको यही बात बोलते हैं बैलेंस शीट। और उसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली आप बताते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट, एक इस तारीख को मेरी एसेट्स कितने हैं, मेरे लाइबिलिटीज़ कितने हैं। ओके, जो महीने का आखिर हो, महीने का आखिरी तारीख हो, या एक क्वार्टर तीन महीने की आखिरी तारीख हो, या साल की आखिरी तारीख हो, सही है, जो भी आपका है। पाकिस्तान में ज़्यादातर साल की आखिरी तारीख बनती है 30 जून। 30 जून हमारा ज़्यादातर कंपनीज का 30 जून एंडिंग डेट होती है, और उसकी वजह बेसिकली ये है कि हमारा जो टैक्स ईयर है वो 30 जून लगता है। उसके अलावा आपके कुछ जो बैंक्स हैं, बैंक्स जो हैं हमारे जो बैंक्स हैं, अलफला बैंक हो गया, मीज़ान हो गया, अलाइड हो गया वगैरह वगैरह, इन सब का जो एंडिंग साल है, एंडिंग जो आखिरी दिन होता है वो होता है December 31st। वो 31 दिसंबर को उनका क्लोज़ होता है। तो क्लोज़ मतलब क्या, उनका आखिरी साल का आखिरी दिन। तो उस दिन वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कि भाई हमारा एसेट्स कितने, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं 31 दिसंबर को, ठीक है। सो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर List the assets and liabilities of an organization. It also shows the equity or capital of the organization. Okay. It is not a company statement of value. Company की value क्या है, वो उसके assets liabilities से ज़ाहिर नहीं होती हैं, सही है। Value में काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी, नॉन फाइनेंशियल चीज़ें भी आती हैं, उसको उसी को जो इन्वेस्टर्स होते हैं और आपके जो एनालिस्ट्स होते हैं वो उसको एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को। उसके अलावा अखबार वगैरह देखते हैं और दूसरी चीज़ें देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कंपनी जो है वो उसके क्या वैल्यू रखी जाए, क्या उसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट नहीं बनी होती है। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारे इतने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी जो है वो किसी एक नई ड्रग, कोई नई दवा पर काम कर रही है, और नई दवा जब दुकान जब मार्केट में लेकर आएगी तो वो एक कैंसर के लिए या किसी के डायबिटीज़ या कैंसर किसी चीज़ की भी नहीं, तो उससे क्या होगा कि लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों की उसकी सेल बढ़ेगी, लोग ख़रीदेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो अभी उसने बनाई नहीं है वो दवा, अभी रिसर्च चल रही है, तो अभी एसेट्स लाइबिलिटीज़ वो चीज़ नहीं दिखाएगी, लेकिन अगली लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगले साल यानी कि वैल्यू जो कंपनी वो ख़राब कंपनी है। हाँ, अगले क्योंकि जब वो रिसर्च करके जब वो दवा मार्केट में आएगी तो वो 23 से फिर वो कंपनी की वैल्यू ऊपर जाएगी, और ऐसे ही ना उसकी, तो कंपनी की वैल्यू में काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी आती हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आइटम्स, और इसके लिए पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके समझ आता है कि कंपनी की असल वैल्यू क्या है। बैलेंस शीट ये चीज़ नहीं दिखा रही, बैलेंस शीट ये नहीं दिखा रही है कि आप कंपनी की वैल्यू क्या है। बैलेंस शीट खाली ये बता रही है कि भाई इस कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, और ये इसकी इतनी इतना कैपिटल डाला हुआ है ओनर के अंदर, इस कंपनी के अंदर, ठीक है। जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, उसके तीनों जो हेड, तीन जो हेड्स हैं वो तीनों के तीनों बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। तो एसेट्स क्या होते हैं, एसेट हम एक तरह से मैं ऑलरेडी बात करता आ रहा हूँ मुस्तकिल, इस डेफिनेशन को देता आ रहा हूँ मुस्तकिल अब तक, अभी जो हम जर्नल एंट्रीज कर रहे थे। तो एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स एनीथिंग व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ओन्स, रिसोर्स दैट इट कंट्रोल्स, और समथिंग दैट इट इज़ ओल्ड। ओके, सो बेसिकली यहाँ मतलब क्या हो रहा है कि एक या तो एसेट्स क्या होते हैं कि या तो कंपनी की अपनी मिल्कियत हो, वो अपनी उसकी चीज़ हो जिसको उसकी ओनरशिप हो, ऐसी चीज़ जिसको वो कंट्रोल करती हो, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपका हो गया लीज़, ओके
है. लीज क्या होता है कि रेंट बेसिकली, राइट. तो रेंट क्या हो रहा है कि आप लीज पे या रेंट पे आपने कोई मशीन ली है किसी से, सही है ना. फॉर एग्जांपल जैसे माजू में जो हमारा जनरेटर है, वो जनरेटर जो है वो लीज पर लिया हुआ है, ठीक है. तो लीज पे आपने जो चीज़ लेते हैं उसका ये होता है, या हमारे यहाँ नॉर्मली आप लोग गाड़ी ले लेते हैं, लोग लीज पे लेते हैं, राइट. तो जब गाड़ी लीज पे लेते हैं उसका मतलब क्या है कि वो लीज पे जो चीज़ ली जा रही है, सही है, वो उसको, जाहिर बात है कि जो चीज़ आप लीज पे लेते हैं उसकी कंट्रोल तो आपके हाथ में है. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, माजू में जनरेटर है, वो लीज पर है, उसको चला कौन रहा है? माजू चलाता है. जब उसको चलाना हो तो चलाते हैं, जब उसको नहीं चलाना हो तो बंद कर देते हैं, वगैरह वगैरह, राइट. सो कंट्रोल कौन कर रहा है? उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? माजू. उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? माजू. ओके. लेकिन वो उसकी चीज़ नहीं है, उसने उसको रेंट पे लिया हुआ है, लीज पे लिया हुआ है, ठीक है. उसी तरह आपकी, जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल दी आपको, क्या दी थी, जहन से निकल गई बात. आपको दूसरा एग्जांपल दी मैंने आपको, गाड़ी जैसे आप लीज पे, राइट. तो जब गाड़ी आप लेते हैं लीज पे, तो गाड़ी आपकी जो आपने लीज पे ली, अगर आप लीज की, फॉर एग्जांपल आपने लीज पेमेंट नहीं करी, हर महीने आपको लीज की पेमेंट करनी पड़ती है ना, लीज की पेमेंट नहीं करी आपने, गाड़ी की पेमेंट नहीं करी, तो क्या होगा? जो आपके जो बैंक है या जिससे आपने लीज पे ली है वो गाड़ी, वो गाड़ी वापस ले लेगा, राइट. अगर वो आपकी अपनी मिल्कियत होती तो कोई ले सकता था आपसे गाड़ी? नोबडी कैन टेक द कार फ्रॉम यू, राइट. अगर आपकी मिल्कियत होती, क्योंकि आपकी थी नहीं. इस वजह से क्या हुआ कि वो बैंक की थी या किसी की भी, या जिससे आपने लीज पे ली थी तो उसकी थी वो गाड़ी. जब आपने उसको पेमेंट नहीं करी तो उसने वो गाड़ी वापस ले ली, ठीक है. तो लेकिन गाड़ी का कंट्रोल कौन कर रहा था? आप कर रहे थे. जब आप कहीं आपको जाना हो तो गाड़ी आपके कंट्रोल में होती थी, राइट. तो कंट्रोल आपके हाथ में था, उसके जो फ़ायदा था वो आपको मिलना था, सही है. लेकिन आपकी वो चीज़ नहीं थी, जहां आपने लीज की पेमेंट नहीं करी वो गाड़ी वापस चली गई, सही है. लेसोर के पास जो लीज, जिससे आपने लीज पे लिया था, तो वो चीज़ उसके पास वापस चली गई. तो इसलिए ऐसी चीज़ जिसको आप कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन आपकी चीज़ नहीं है, वो भी आपका एसेट है, सही है. अब उससे रिलेटेड क्या बनता है? उसके रिलेटेड जो ऐसी चीज़ होती है ना, उसमें आपसे रिलेटेड आपका बनता है लायबिलिटी. जैसे मैं आपको गाड़ी की लीज बताई, तो गाड़ी की, गाड़ी आपने ली लीज के ऊपर, तो गाड़ी तो आपकी हो गई एसेट, इसलिए उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, उससे आप फ़ायदा लेंगे उससे, सही है. लेकिन क्योंकि आपको उसकी लीज पे करते रहना पड़ेगा, तो वो आपके लिए हो गई लायबिलिटी. तो जो ऐसी जो बात की जा रही है ना, रिसोर्स एडिट कंट्रोल्स, तो रिसोर्स एडिट कंट्रोल्स में वो हो तो जाएगा उसका एसेट, लेकिन उस एसेट से रिलेटेड एक लायबिलिटी पैदा हो जाएगी, ठीक है. जबकि समथिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन ओन्स, ओनरशिप अगर उस, फॉर एग्जांपल उसने कैश पर अगर लिया है, सही है, तो अगर उसने कैश पर वो चीज़ ली है तो उसकी अपनी ओनरशिप है, वो कोई चीज़ उससे लेगा नहीं वापस, ओके. तो वो भी उसका एसेट है. उसके बाद एक आता है तीसरा, समथिंग दैट इज ओल्ड, किसी दूसरे को आपको पैसा पे करना है, सही है. Somebody else have to pay you the money. सही है. आपने एक होता किसी को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को उधार पे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को लोन पे लोन दिया है आपको, आपने किसी को लोन दिया है, ठीक है. यू हैव गिवन लोन टू समवन, टू योर फ्रेंड. तो जाहिर बात है कि वो पैसा होपफुली एक फ्यूचर में एक वक्त आए कि वो आपके पास वापस आ जाए, उम्मीद तो यही होगी, ठीक है. तो वापस आएगा, ठीक है. तो आप, डेट्स आल्सो योर एसेट, ओके. तो यहाँ पर ये बिजनेस होता है, बिजनेस में हम उसको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल होता है या नोट रिसीवेबल भी उसको कहते हैं, ओके. रिसीवेबल कि आपने फॉर एग्जांपल उधार पे सामान बेचा है, आपने उधार पे सामान बेचा है तो जाहिर बात है कि उसका कस्टमर एक दिन पे करेगा, मेरे पास पैसा आएगा, ठीक है. तो इस वजह से वो भी हमारा एसेट है कि मेरे पास पैसा आने आएगा. तो आपके तीन टाइप्स हो गई, एक ऐसी चीज़ जो आपके पास अपनी अपनी हो, चीज़ हो, मिल्कियत हो आपकी, आप उसकी ओनरशिप है, वो भी आपका एसेट है. ऐसी चीज़ जिसकी आप ओनरशिप तो है लेकिन वो आपकी, आप उसको, आपकी ओनरशिप तो आपकी, सॉरी, आपकी कंट्रोल के अंदर है लेकिन आपकी ओनरशिप नहीं है, सही है. वो आपकी लीज पे हो गया सामान. और ऐसी चीज़ जो इसको आप, आपके पास वो पैसा आएगा, रिसीव होगा, ठीक है, तो वो भी आपका एसेट है. उसके अंदर फिर हम देखते हैं, उसके अंदर दो तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स, ठीक है. करंट एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो, इसमें आपका जो एक सिंपल रूल है वो सिंपल ये है कि 12 महीने का, जो चीज़ 12 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाएगी वो करंट एसेट है, और जो चीज़ 12 महीने से ज़्यादा टाइम लेगी इस्तेमाल होने में
वो आपकी होगी नॉन करंट एसेट। सही है, तो यहां पर एक सिंपल सा रूल बता दिया गया है कि 12 महीने का रूल है, 12 महीने से अंदर अंदर चीज़ इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने देखा आपका फॉर एग्जांपल ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी, स्टेशनरी जो होती है स्टेशनरी बात है, होपफुली आप साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। सही है, मार्कर, पेंसिल, प्रिंटिंग पेपर, पैड वगैरह जो भी है वो आप एक साल के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे, तो उसको कहा जाता है करंट एसेट। ठीक है, आप 12 महीने के अंदर आप इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आई पूछना, जो हमने हमने जनरेट्री करी मशीनरी की, इक्विपमेंट की, तो मशीनरी हो इक्विपमेंट वगैरह जो होते हैं ये आपके होते हैं नॉन करंट एसेट्स। क्यों? सारी बात है कि होपफुली अब हमें नहीं पता, डिटेल नहीं पता कि मशीन कितनी बड़ी थी और किस तरह की मशीनरी थी, लेकिन उम्मीद होगी कि वो मशीन जो है वो साल भर से ज़्यादा चलेगी। सही है, अगर आप जो एसी लेते हैं, खरीदते हैं अपने घर के लिए वगैरह, जो एसी होता है वो सारी बात है कि उम्मीद क्या होती है जब ख़रीदते हैं कि भाई ये चलेगा शायद उसके। सही है, आप कोशिश होती है कि ऐसा एसी लें जो जिसकी लाइफ ज़्यादा हो। ठीक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वॉट एवर। ठीक है, तो यानी कि 12 महीने नहीं इस्तेमाल हो जाएगा एसी, 12 महीने मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो जाएगी, वो मल्टीपल उसके साल लग सकते हैं। तो वो मशीन जो होती है उसको कहते हैं हम, वो जो एसेट होगा वो होगा नॉन करंट एसेट्स, उसका मल्टीपल ईयर्स में 2, 3, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक हम उसको सर्विस लेते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, बिल्डिंग मशीनरी, कार्स, व्हीकल्स, आपके लैंड, ओके, ये सब आपके एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं ये आपके। सही है, और करंट एसेट्स में आपके जैसे मैंने एग्जांपल दी, कैश हो जाएगा करंट एसेट है, ऑफिस सप्लाइज करंट एसेट्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपका उम्मीद होगी कि आप 12 महीने में इस्तेमाल कर लेंगे। उसके अलावा एक इन्हीं करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स तो एक है, उसके अलावा एक टाइप होती है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स भी आपके करंट या नॉन करंट हो सकते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी एक टाइप है टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। सही है, आपका आपके जहाँ भी आप बैठे हुए अभी अपने आसपास आप नज़र दौड़ाएँ तो उसमें से कितने चीज़ें आपके पास जो हैं वो आपके एसेट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, राइट? वो अगर आपकी अपनी नहीं हो तो शायद आपके पेरेंट की हो सकती है या आपके गार्जियन की हो सकती है वगैरह वगैरह, वो आपका टेंजिबल एसेट्स हैं। सही है, उसमें भी आपका करंट हो गया और नॉन करंट एसेट्स हो गए। फिर आपका होता है एक इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में भी करंट एसेट्स, नॉन करंट, लेकिन नॉन करंट का क्राइटेरिया क्या है? 12 महीना, 12 महीने से कम में इस्तेमाल हो गया करंट, 12 महीने से ज़्यादा टाइम लगा नॉन करंट। अच्छा, तो इनटेंजिबल एसेट्स भाई ऐसे भी एसेट्स हैं जिसको आप देख नहीं सकते हैं, ओके, उसको कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। तो उसकी एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका आपका ये हो गया क्या कहेंगे इसको, ट्रेडमार्क। सही है, आपका लोगो फॉर एग्जांपल, या सही है, वो आपका ट्रेडमार्क है, राइट? या आपका कोई फ्रेज हो गया, जैसे नाइकी का, आप लोगों को शायद पता हो नाइकी का है ना, जस्ट डू इट, राइट? तो और उसका एक एक सिंबल है नाइकी का, सही है, जो मार्क है उसका, स्विश करके जो है मार्क, तो वो जो स्टेटमेंट है जस्ट डू इट, वो उसका ट्रेडमार्क है, ओके, जो उसका सिग्नेचर है, वो साइन जो है वो स्विश तेज जो वो चेक मार्क टाइप जो है उसका सिग्नेचर नाइकी जूते का, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो उसका ट्रेडमार्क है, कि कहीं भी आप उसको देखेंगे आप समझ जाएंगे कि नाइकी की बात की जा रही है, नाइकी की बात की जा रही है। ठीक है, एप्पल का, एप्पल का पता है कि सेब, सही है, तो सेब उसका ट्रेड लोगो ट्रेडमार्क है। सही है, एंड जो गूगल, एंड्रॉयड, गूगल का क्या है भाई, वो एंड्रॉयड जो है उसका क्या है, वो एक छोटा सा रोबोट है, एंड्रॉयड है, राइट? गूगल का तो मल्टी कलर्ड, सही है, आपके आगे आप गूगल के कलर, गूगल ना भी लिखा हो खाली कलर लगे हो तो आप समझ जाते हैं गूगल की यहाँ बात हो रही है। उसी तरह विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ होता था, राइट? तो उसका भी जो विंडोज़ उसकी होती थी, विंडोज़ आप शायद देखा हो, पुराना विंडोज़ उसकी बनी होती थी विंडो, तो ट्रेडमार्क हैं सारे। तो ट्रेडमार्क जो है ना क्या होता है, ट्रेडमार्क आपका इनटेंजिबल एसेट है।
इसके आपको मल्टीपल, एक नॉन करंट एसेट है, आपको मल्टीपल साल तक इसके फ़ायदा मिलता रहेगा। कहीं भी कोई देखेगा आपको पता जाएगा कि ये किसकी बात की जा रही है, सही है। तो दैट्स इंटेंजिबल एसेट। दूसरा एक एसेट होता है गुडविल, सही है, गुडविल इज आल्सो योर एसेट। टाइम तकरीबन हमारा ख़त्म ही हो गया है, बस को मैं ख़त्म करूँ इसको और इसके बाद क्या लाइबिलिटीज़ हैं। एनीवे, तो आपका गुडविल हो गया, तो गुडविल आपका क्या होता है कि गुडविल को आप गुडविल आपका हो जाता है कि होता है कि अगर आपके गुडविल बिज़नेस खुद नहीं लिखता है, जब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को ख़रीदता है ना, तो जो बिज़नेस पैसा ज़्यादा पे करता है दूसरे बिज़नेस को ख़रीदते वक्त, उस वक्त वो कहता है कि मैंने ज़्यादा पैसा पे करा है, उसको वो गुडविल में डाल देते हैं। क्यों ज़्यादा पैसा पे करा है, सही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लॉ फर्म है, सही है, एक लॉ फर्म है, एक लॉ पार्टनरशिप, एक लॉ फर्म है, वो एक दूसरे लॉ फर्म को ख़रीद रही है, ठीक है। तो जब ख़रीद रही है तो क्या करेगी कि वो कहेगी कि यार ये लॉ फर्म जिसको मैं ख़रीद रहे हैं उसके कस्टमर्स, उनके पास अच्छे कस्टमर क्लाइंट्स हैं, ज़्यादा पैसे वाले क्लाइंट्स हैं, उनकी एक नाम है इस लॉ फर्म का मार्केट के अंदर, तो इसमें उसके लिए हम उनको ज़्यादा पैसा देंगे। जब उनके ज़्यादा पैसा देंगे, यानी कि जो पैसा देना चाहिए उससे ज़्यादा पैसा देंगे, एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तो उस जो एक्स्ट्रा पैसा देंगे उसको हम कहेंगे गुडविल। क्या क्यों पैसा ज़्यादा पैसा दे रहे हैं भाई? इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास जो दूसरी फर्म, आप जो दूसरी लॉ फर्म ख़रीद रहे हैं उनकी, उनके पास क्लाइंट लिस्ट जो है, उसकी क्लाइंट लिस्ट की वजह से आप उनको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। उनकी जो ब्रांड नेम है मार्केट में, अच्छा ब्रांड नेम है, तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं उसको कहते हैं गुडविल, सही है। तो गुडविल इज़ आल्सो इंटेंजिबल एसेट, सही है। उसके अलावा कुछ और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटीज़ और कितना एक्विटी है, तो चले मैं इसको कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं आपको आगे जो है कुछ स्लाइड्स रह गई हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग इसी में ऐड कर दूंगा, तो फिर आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा एक साथ। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं उसमें भी आपका वही होता है। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जिसको हम पढ़ चुके हैं अब तक, हम कर जलेंट्री कर चुके हैं इसकी, उधार पे, यानी कि आपने किसी को पे करना है, यू नीड टू पे समवन। आपने कुछ चीज़ उधार पे ले ली है, आप उसको बाद में पे करेंगे, सही है, तो वो आपके लाइबिलिटी हो जाती है। इसका भी वही रूल है, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी का 12 महीने का रूल है। 12 महीने से कम में इस्तेमाल हो जाएगी लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी है, 12 महीने में कम टाइम में लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो करंट लाइबिलिटी है, और 12 महीने से ज़्यादा टाइम लेगा लाइबिलिटी को आपके पास रहने का तो नॉन करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ में आपके क्या क्या आ सकते हैं, अभी हमने अभी जनरेंट्रीज में देखा, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल पे गाजी लिमिटेड के लिए से जो उसने उधार पे, बुशरा ने लिया था सामान, उसने 5 दिन में वो चीज़ उधार पे कर दिया, सही है। तो जाहिर सी बात है कि अकाउंट्स पेएबल इज़ अ वेरी कॉमन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। उसके अलावा करंट लाइबिलिटी क्या हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी, अगर किसी वजह से सैलरी नहीं पे कर सका बिज़नेस, कोरोना की वजह से या किसी वजह से बिज़नेस बंद था, तो एक महीने की सैलरी नहीं पे कर सका, वो अगले महीने पे करेगा सैलरी, तो सैलरी जो हो गया वो अगले महीने, एक तरह से जाहिर बात है सैलरी तो बिज़नेस को पे करना है ना, करना चाहिए, सही है। वो किसी वजह से नहीं कर सके इस महीने, वो अगले महीने करेंगे, तो बिज़नेस के ऊपर तो एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई, एक सही है कि तलवार खड़ी हो गई उसके ऊपर कि उस किसी दूसरे को ये लाइबिलिटी, ये चीज़ पे करनी है, ये उधार पे करना है, सही है, सैलरी पे करनी है एम्प्लॉइज़ को, जो हम इस महीने नहीं कर सके उनको पे, तो हम अगले महीने उनको देंगे, तो डेट्स आल्सो करंट लाइबिलिटी, सैलरी पेएबल, ठीक है। उसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपके क्या आ सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्टगेज पे आपने बिल्डिंग ख़रीदी है, सही है, मॉर्टगेज पे आपने घर ख़रीदा है, सही है। तो मॉर्टगेज क्या होता है कि भाई जो बैंक होता है वो पैसा डालता है, आप बैंक सही है, मॉर्टगेज क्या होता है कि बेसिकली आप बैंक से लोन ले रहे हैं और बैंक से लोन लेकर आप घर ख़रीद रहे हैं, तो जब आप बैंक से लोन लेकर घर ख़रीदते हैं तो बैंक क्या करता है कि आपका घर जो है वो एक तरह से अपने पास गिरवी रख लेता है, सही है, कि वो अपने पास रखा हुआ नहीं है, आप उसमें रहते हैं, रिहाइश आपकी होती है, लेकिन वो घर आपका नहीं होता है, उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप बैंक का लोन वापस नहीं कर देंगे, सही है। तो इसलिए वो एक तरह से गिरवी होता है, अगर आपने बैंक लोन वापस नहीं करा तो घर आपके पास नहीं रहेगा, घर चला जाएगा आपके पास से, बैंक उस पर कब्ज़ा कर लेगा, ठीक है। सो इसलिए जो मॉर्टगेज होता है, अब जाहिर बात है कि बैंक से जो आपने को लोन लेकर घर लिया है या बिल्डिंग ख़रीदी है वगैरह,
वो आपका एसेट तो ले लिया आपने, लेकिन उस एसेट के बदले आपने एक लायबिलिटी भी खड़ी कर ली है। और जाहिर बात है कोई लायबिलिटी 12 महीने में ख़त्म नहीं होगी। जाहिर होता है कि आपने अगर 2 करोड़ का घर लिया है, 2 करोड़ का घर हो या 5 करोड़ का घर हो या 10 करोड़ का घर हो, तो जाहिर सी बात है कि वो लोन जो लिया है आपने, चाहे 50% लोन हो या 70% लोन लिया हो, वो लोन जो है आप 1 दिन में पे नहीं कर देंगे या 30 दिन के अंदर पे नहीं करेंगे, या मोस्ट लाइकली आप साल भर में पे नहीं कर सकेंगे। सही है, आप यकीनन उसको 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल में उसको पे करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब उसको इतना सालों में पे करेंगे तो जाहिर बात है कि वो नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। तो मॉर्टगेज हो गया, तो मॉर्टगेज जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। बैंक लोन्स, बैंक से लोन लेना, बैंक से बस सब लोन लेते हैं, तो वो भी नॉन करंट लाइबिलिटी हो सकता है, लेकिन वो करंट लाइबिलिटी भी हो सकता है। हो सकता है आपने बैंक से लोन लिया 3 महीने के लिए, तो वो करंट लाइबिलिटी है। अगर आपसे आपने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। सही है, बैंक लोन के कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। और आखिरी आप देख लें एक्विटी। एक्विटी आपकी बेसी हो गई, बेसिकली इसको दूसरा वर्ड होता है नेट एसेट्स। सही है, उसको दूसरा उसको कहते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्यों कहते हैं? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सही है, तो वही जो हमारी इक्वेशन है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन कह गई, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारी है, एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस एक्विटी। तो अगर हम एसेट एक्विटी क्या होगी भाई, एक्विटी किस चीज़ के इक्वल होगी? जब लाइबिलिटी को दूसरे साइड पे ले जाएं, तो अगर हम एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दें, तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स एक्विटी। ठीक है, तो एक्विटी इज आल्सो नेट एसेट्स, कि जितने कंपनी पास एसेट्स हैं उन सबको बेच दें, उन सबको बेच के जितना पैसा आए उसमें से जितनी लाइबिलिटीज हैं कंपनी की उनको पे कर दें, तो जितना पैसा बच जाएगा, सही है, वो ओनर की ओनर को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए उसको कहते हैं नेट एसेट्स। एंड इट इज़ बेसिकली आपका रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द बिजनेस डेट बिलोंग्स टू इट्स ओनर्स आफ्टर द लाइबिलिटीज हैव बिन डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स। सही है, जैसे मैंने बात करी कंपनी में जितने एसेट्स हैं उन सबको बेचे, उसके पैसा जो आता है उसकी लाइबिलिटी जितना है वो पे कर दे, तो जो पैसा बच जाएगा वो एक्विटी कहलाएगी, वो ओनर, इसलिए कि वो किसके पास जाएगी? वो ओनर के पास जाएगी। सही है, अब वो एक्विटी हो सकता है कि ओनर ने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी, हो सकता है उससे कम हो, उससे ज़्यादा हो। उससे कम ज़्यादा किस तरह होगी? वो तो कंपनी के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पर डिपेंड करता है, और ये सब हमने कर चुके हैं ये यहाँ पर, राइट, कि नेट प्रॉफिट से एक्विटी ऊपर जाएगी, नेट लॉस से एक्विटी नीचे जाएगी, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बाद जो स्लाइड है उसमें खाली आपको बता दिया गया, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल्स। सही है, जो फिक्स्ड एसेट्स का नाम दिया गया है, फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं बेसिकली। ओके, पुराना नाम था फिक्स्ड एसेट्स, न्यू नाम जो IFRS ने दिया हुआ है नॉन करंट, इसलिए कि मोस्ट लाइकली आप इसको, इसलिए कि नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स नहीं आ सकते, उसमें कुछ एसेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा, जो आपके पास तो है, आपका एसेट, आपकी मिल्कियत है, सही है, लेकिन आपके आपका फिक्स्ड नहीं है एक जगह पे। फिक्स्ड एसेट्स का नाम जो था ना वो इसलिए था कि वो एक जगह फिक्स होती थी, लैंड एक जगह है पड़ी हुई है, बिल्डिंग एक जगह फिक्स है, फर्नीचर भी एक जगह फिक्स हो सकता है, सही है, इक्विपमेंट, मशीनरी फिक्स एक जगह फिक्स हो सकती है, लेकिन वो इसी तरह से आइडिया नहीं देता था। इसलिए कि व्हीकल्स, अब जैसे है व्हीकल्स तो फिक्स नहीं आते एक जगह पे, सही है, लेकिन तो फिक्स्ड एसेट्स कैसे कहेंगे फिर आप? तो उसको फिर उसके लिए फिर एक नया जो डेफिनेशन निकाली वो ये थी कि नॉन करंट, नया नाम आया नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा आपके पास रहे, तो व्हीकल्स आपकी नॉन करंट हो गया, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग्स वगैरह। सही है, इन्वेस्टमेंट्स फिक्स डिपॉजिट कैन बी नॉन करंट, कैन बी करंट, डिपेंडिंग ऑन उसकी लेंथ क्या है। ओके, करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री हो गई, दुकान में जो इन्वेंट्री होती है वो मोस्ट लाइकली 12 महीने में ख़त्म हो जाएगी। सही है, बिक जाएगी वो। ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी कि आपने उधार पे किसी चीज़ लोगों को सामान दिया है, वो आपको उधार पे कर देंगे, आपको पैसा दे देंगे, वो उम्मीद होगी कि 12 महीने के अंदर अंदर पैसा आ जाए। पेटी कैश, पेटी कैश बैंक के बारे में बताया था मैंने आपको डिफरेंस पिछले हफ्ते, आई थिंक हमने बात करी थी इसके ऊपर कि कैश बैंक में क्या डिफरेंस होता है। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ICAP की बुक से, तो इसलिए पैटी कैश अलग है, बैंक अलग दिखा रहे हैं। सही है, अमेरिका में भी होता है, अमेरिकन सिस्टम में भी पैटी कैश बैंक होता है। सही है, लेकिन वो बैंक नहीं कहते हैं, वो कैश, पैटी कैश दोनों को ही कैश कहते हैं। सही है, पाकिस्तान में आपका डिफरेंट नाम होता है। पैटी कैश वो होता है जो आपके पास फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पैसा रखा होता है छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए,
और बैंक होता है जो बैंक में पैसा रखा हुआ है, सही है, ये दोनों ही कैश में बैलेंस शीट में एक ही जगह जमा हो करके दिखाया जाता है। ये आपके सबका करंट एसेट्स हैं। लायबिलिटीज़ में आपका आ गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो गई या करंट लायबिलिटीज़ हो गई, ठीक है ना। ओनर्स एक्विटी जो तो लायबिलिटी में नहीं है, ओनर्स एक्विटी अलग हो चीज़ होती है। सो ओनर्स एक्विटी आपका होता है कैपिटल, जो इनिशियल कैपिटल है, प्लस नेट प्रॉफिट जो नेट इनकम आएगी, माइनस ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या चीज़ होती है, ड्रॉइंग्स यहाँ हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं ड्रॉइंग जो आप बना रहे हैं पेपर के ऊपर, यहाँ ये वो ड्रॉइंग्स की बात नहीं की जा रही है। ड्रॉइंग्स होती हैं, वर्ड आया ड्रॉइंग्स का विथड्रॉल से, विथड्रॉल, विथड्रॉल होता है किसी चीज़ को निकालना, सही है। तो विथड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आती बात ये ओनर की, ओनर जब पैसा निकालता है बिजनेस से उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। जाहिर सी बात है कि उसकी जब पैसा निकालेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी में कम हो जाएगी, राइट, तो इसलिए उसको माइनस करते हैं। तो ओनर्स इक्विटी में उसका कैपिटल होगा ओनर का, जितना पैसा डाला हुआ है इन्वेस्टमेंट करिए बिजनेस के अंदर, फिर जैसे जैसे प्रॉफिट आता जाएगा उसका वो कैपिटल बढ़ता चला जाएगा और सो नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा, नेट लॉस होगा तो डिक्रीज़ कर देगा, माइनस करेंगे लॉस को। और फिर माइनस ड्रॉइंग्स, माइनस ड्रॉइंग्स के जितना पैसा बिजनेस ओनर बिजनेस से निकालेगा अपने अपने ज़रूरत के लिए, उसको हम कह देते हैं कि वो जाहिर सी बात है कि वो उसके जो इन्वेस्टमेंट है अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है उस वो डिक्रीज कर देगा, तो उसके लिए वो ड्राइंग्स कहलाती हैं, माइनस करते हैं। लायबिलिटीज़ आपकी हो गई आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, जिसको हम पुराना नाम था लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, नया नाम इसका है नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो आपको एक साल से ज़्यादा टाइम ले उसको पे करने में, तो लोन जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बैंक से आपने लोन लिया है जो एक साल से ज़्यादा टाइम लेगा पे करने में, या बॉन्ड ऑन प्रॉपर्टी, बॉन्ड ऑन प्रॉपर्टी आपका मॉर्टगेज बेसिकली, सही है, मॉर्टगेज जो होता है वो आपका बॉन्ड ऑन प्रॉपर्टी, चाहे बताए मॉर्टगेज जो है वो आपका एक साल से ज़्यादा टाइम लेगा। करंट लाइबिलिटीज़ में आपका आ गया शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन आपने 3 महीने के लिए लोन लिया है, 6 महीने के लिए लोन लिया है, तो वो आपके लोन आ गया, वो 6 महीने में आप पे कर देंगे, तो वो आप करंट लायबिलिटी हो गया साल भर के अंदर अंदर। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में आपका ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, जैसे अभी हमने देखा था अकाउंट्स पेएबल देखा था, तो अकाउंट्स पेएबल जो है वो आपने यू नो आप महीने भर में पे कर देंगे, 2 महीने पे कर देंगे, 1 हफ्ते के अंदर पे कर देंगे, तो वो करंट लायबिलिटी होगा, सही है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट यूजुअली हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं हम लोगों को नहीं मिलता है ये सर्विस, लेकिन सर्विस बिजनेस के लिए होती है। जब आप बिजनेस में अकाउंट खोलते हैं तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का सर्विस मिलती है। बिजनेस बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि ओवरड्राफ्ट के आपने आपके बैंक में जितना पैसा रखा हुआ है, अगर बिजनेस कोई चेक लिख ले या कोई ऐसा अमाउंट लिख दे कि उससे अगर वो ज़्यादा पैसा निकालना चाहे, बैंक से ज़्यादा पैसा निकालना चाहे, जितना अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा पैसा लेना चाहे, तो वो पैसा उसको मिल जाएगा, सही है। तो अगर बैंक में अगर 10,000 रुपये रखे हुए हैं बिजनेस बैंक अकाउंट में, और अगर बिजनेस जो है वो 12,000 निकालता है तो 12,000 उसको मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्योंकि बैंक में 10,000 रखे हुए थे उसने बैंक बिजनेस ने 12,000 ले लिए, तो उसको 12,000 मिल तो गए, तो 2,000 जो एक्स्ट्रा मिला है ना, 2,000 जो उसको एक्स्ट्रा पैसा उसने निकाला है वो ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा। एक तरह से उसने बैंक ने बिजनेस ने एक तरह से लोन ले लिया है बैंक से, ठीक है, तो वो एक तरह से कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और वो फिर कैश नहीं रहेगा, वो कैश जो है वो चला जाएगा लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, वो एसेट नहीं रहेगा, वो करंट लायबिलिटी बन जाएगा। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कैश इज़ एन एसेट, वो फिर एसेट नहीं रहेगा उसके पास, बैंक जो एसेट नहीं रहेगा, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में, उसने बैंक से ज़्यादा पैसा, बैंक अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकाल लिया है, तो वो एक तरह से उसके लिए उल्टा उधार बन गया बैंक के, बैंक को पे करना है वो उधार, सही है ना। जो बिजनेस उसको बैंक को पे करना है वो उधार, और उस पर वो उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट, और एक लायबिलिटी बन जाती है करंट लायबिलिटी, और उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा होता है, तो इस वजह से 20-30-40% इंटरेस्ट चल रहा होता है, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू डू दैट। सो बिजनेस कोशिश करेगा जितनी जल्दी वो पे कर दे बैंक को उतना अच्छा है, इसलिए वो करंट लायबिलिटी होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड जो है पता नहीं आप लोगों के पास शायद नहीं है, मेरे ख्याल से ये ये आपको एक सैम्पल है और किस तरह लगती है बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपको पहले आप उस पर यानी कि आप ऊपर लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स अपने, फिर नॉन करंट एसेट्स आप करंट एसेट्स लिखते हैं,
फिर और सारे एसेट्स एक तरफ लिखते हैं, और फिर दूसरे साइड पे आप कैपिटल, ओनर कैपिटल और अपनी लायबिलिटीज़ लिखते हैं, सही है। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हो या वर्टिकल फॉर्मेट हो, वर्टिकल फॉर्मेट में बेसिकली आप एक से नीचे दूसरा लिख देंगे, तो एसेट्स के नीचे ही कैपिटल और कैपिटल से नीचे लायबिलिटी आ जाएगी एक ही साइड पर, सही है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर। और सॉरी वर्टिकल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपका इस तरह से आपके सामने जैसे लगा हुआ है, एक तरफ एसेट होगा और दूसरे साइड पे कैपिटल और लायबिलिटीज़। और ये जो आपका बैलेंस शीट होती है, ये जो पुराना नाम था बैलेंस शीट, वो नाम क्यों होता था बैलेंस, नाम क्यों रखा हुआ है बैलेंस शीट, वो बेसिकली चल रहा होता था इस जर्नल एंट्री के हिसाब से, इस अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, कि देखें आपका एक तरफ एसेट है और इक्वेशन के दूसरे साइड लायबिलिटी इक्विटी। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ करी है, एक तरफ एसेट्स हैं और दूसरे साइड पे सारे कैपिटल और लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये आपके बैलेंस कर, ये बैलेंस शीट इसको कहते हैं कि इसी को कहते हैं कि बैलेंस कर रहा है। जब ये बैलेंस हो जाता है, एसेट इक्वल लायबिलिटी इक्विटी हो गया, बैलेंस हो गया, तो बैलेंस का मतलब है कि ये बैलेंस हो गया, तो ये आपका आपका बैलेंस शीट बनती थी इसी तरह से। तो यह हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को ही फॉलो कर रहा होता है बिल्कुल इसी तरह, और वर्टिकल फॉर्मेट भी उसी को फॉलो करता है। आपको एसेट्स मस्ट इक्वल लायबिलिटी प्लस इक्विटी, लेकिन उसमें क्या है कि बस आपको उसका फॉर्मेट ज़रा दिखाने में, प्रेजेंट करने में ज़रा डिफरेंस लगता है। प्रेजेंट डिफरेंट क्या होगा कि वो आप उसको पहले एक साइड पर आपका एसेट्स हैं और फिर उसी के नीचे कैपिटल, उसी के नीचे लायबिलिटी, और कैपिटल और लायबिलिटी जो है उनका टोटल जो है वो मिला के एसेट के इक्वल होना चाहिए, चाहे वो वर्टिकल फॉर्मेट हो या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, डस नॉट मैटर। अच्छा, नाउ वी कम टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इट माइट बी कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, सो अभी हमने पहले देखा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, ठीक है, एंड दैट्स द बैलेंस शीट, ओल्ड नेम वॉज बैलेंस शीट। नाउ वी कम टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, दोनों नाम इसके हैं, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसका नाम इसलिए क्यों है के एंड द ओल्ड नेम वॉज द इनकम स्टेटमेंट। ओके, सो द न्यू नेम ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वाई इज इट कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? Reason is basically because for let's say 1 month or 3 months or maybe a 1 year whatever that financial period is आपका जो भी है उसके हिसाब से आपका देखा जाता है कि आपने परफॉर्म कैसे करा, राइट, हाउ डिड यू डू। ओके, आप में जिन लोगों की जॉब है और आप जो काम कर रहे हैं, राइट, आप लोगों को पता होगा कि हर साल आपका आपका इवेल्युएशन होती है, आपकी जॉब इवेल्युएशन होती है कि यू नो हाउ डिड यू डू। अगर आपने अच्छा काम करा तो आपको रेज मिलेगी, आपको इंक्रीमेंट होगा आपका, एंड यू नो यू मे गेट अ प्रमोशन और समथिंग लाइक दिस, सही है। और अगर आपने यू नो खराब काम करा तो हो सकता है कि यू नो वर्स्ट केस सिनेरियो जॉब छूट जाएगी, जॉब चली जाएगी, या फिर शायद रेज ना मिले, यू नो आपको और या कुछ भी दूसरे मसाले हो सकते हैं, या आपको यू नो एक तरह से वार्निंग मिले कि यू नो इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस व्हाटएवर, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना खराब काम करा है, क्या करा है। उसी तरह कंपनी के साथ भी है। कंपनी के साथ हम ये देख रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जब हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो हम उसको देख बोल रहे हैं कि भाई महीने भर में हमारी हमने कैसे परफॉर्म कराया, 3 महीने में हमने कैसे परफॉर्म कराया, या इन 1 year हाउ डिड वी परफॉर्म इन 1 year। Okay, the reason is that how did we do? If you did it good, then hopefully you have a revenue, you have a net income, right? A net income hai to most likely aapne acha kaam kara hai, aapne apne revenue badhaya, expenses se zyada revenue hai to you're doing good. If you did not do good, obviously then most likely you have a net loss. So yeah, net loss aapka most likely ho gaya hoga. Okay? उसमें जरूरी नहीं है कि आपने खराबी काम करा, हो सकता है नेट लॉस हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं। ओके, एंड देन यू ऑफ कोर्स नीड टू एक्सप्लेन दैट व्हाट हैपेंड देयर। ओके, व्हाई वी डू हैव, व्हाई द कंपनी हैज अ नेट लॉस, इज इट बिकॉज ऑफ इट्स ओन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, और इज इट बिकॉज सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच वर नॉट इन देयर कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल फॉरन एक्सचेंज रेट, if you are importing something from outside, you know, and if the exchange rate goes up or the duty
imports on duty are put up, then what's going to happen? So, you know, imports आपको जो import आप material कर उस पर duty बढ़ जाए या लगा दी जाए, पहले लगी हुई नहीं थी अब लग जाए duty, या थी पहले लेकिन कम थी ज्यादा कर दी गई duty, या फिर आपके फॉरन एक्सचेंज जो है जाए बता कि वो बढ़ जाए, सही है। अगर जाए बता कि आपको जब आप इम्पोर्ट करें तो मोस्ट लाइकली आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, सही है। तो आपको पहले से डॉलर खरीदना पड़ता है। अब अगर आप डॉलर खरीदें कि आप जब 100 रुपये का डॉलर था तो आपको जाए बता कि कम पैसे में मिल जाता था डॉलर, सही है। जब आपको अब अभी जो तकरीबन 160, 165 तक चल रहा है डॉलर, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको तकरीबन 1.5 रुपए का एक डॉलर मिल रहा है, 150 रुपए का एक डॉलर, 100 रुपए से अब 150 रुपए बढ़ गया आपका, राइट। सो ऑलमोस्ट आपको दैट कैन बी जो बिग लॉस इन देयर टू, सो बट दैट्स अनकंट्रोलेबल इन अ वे, ओके, इन द शॉर्ट टर्म एनीवे। सो दैट्स सो हाउ डिड यू परफॉर्म, हाउ डिड यू नॉट परफॉर्म एंड थिंग्स लाइक दैट, दैट शोज इन योर नेट इनकम, योर नेट लॉस, दैट्स कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या इसका जो पुराना नाम था वो था नेट इनकम स्टेटमेंट, ओके। अच्छा, नाउ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं, उसकी वजह क्या है, व्हाट डज इट मीन? कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कंप्लीट, ओके, कंप्लीट। सो व्हाई डू वी हैव दिस, व्हाई डू नॉट जस्ट से द ओल्ड नेम इनकम स्टेटमेंट, पुराना न्यू नेम क्यों रखा गया इसका? तो उसकी वजह यह है कि इसको एक्चुअली आप जब भी अभी एनुअल रिपोर्ट वगैरह लें और राइट, तो आप देखें कि इट एक्चुअली स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ओके, जो इनकम स्टेटमेंट होती है अब वो दो हिस्सों में बटी हुई होती है। तो पहला पार्ट होता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये शायद आप नाम कॉमनली सुना हो, ओके, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड दैट्स अ सिंपल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ओके, इट हैज ऑल द रेवेन्यूज व्हिच वी हैव अर्नड ड्यूरिंग द मंथ और क्वार्टर और ईयर, and then minus all the expenses, and then you get net loss, net income, ठीक है ना? So वो तो statement of profit और loss हो गई। उसके बाद उसमें क्या होता है कि उसके बाद एक और छोटी सी एक चीज होती है statement of other comprehensive income, and that has other gains and losses. Now what's the difference between revenue and expenses and gains and losses? They're very very similar to each other, but they're not same. Okay, they are similar but not same. Difference is that revenue and law, revenue and expense take place, they happen when they are coming out of your regular operation, okay. So if, for example, a company has, let's say, you know, a bank, okay, let's say a bank, let's say Mizan Bank, okay. So Mizan Bank has, you know, branches all over the city. Let's say we just take Karachi city for now, okay. So they have city, you know, branches all over the city, and then you know, they are selling products, they are selling investment advice, they are selling multiple things, and of course they have also their expenses, rent expense, lease expense, you know, your equipment expenses, depreciation, and things like that, salaries, utilities, advertising, और बहुत सारे दूसरे expenses हैं, right? और इनका उनकी income जो है वो जो भी आपकी उनकी income जिस right, they do not earn interest, but you know, selling products वगैरह जो बेच रहे हैं उस पर जो उनको fees वो charge कर रहे हैं, so that's their income too, okay? So so that's income, revenue, minus all the expenses like, you know, the salary, advertising, rent वगैरह, वो minus करें तो आपका आ गया net income, net loss, okay, that's from their regular operations, okay. Now let's say Mizan Bank wants to close one of their branches, so you know, unko ye branch band karna cha rahe hain, ya ek nahi to samajh le 5 branches band karna cha rahe hain, sahi hai, to ab wo kya kare, okay. So obviously jab branch band karenge to ho sakta hai ki jahan pe wo hain to ho sakta hai ki wo जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं उनके वहां पर रखे हुए हैं वो शायद कहें कि ये बेचते हैं हम, ओके, दे आर ए सरप्लस टू अवर नीड, दे आर एक्सेस आइटम्स इन अवर इन्वेंटरी, वी डू नॉट नीड मोर कंप्यूटर्स, वी आर क्लोजिंग द ब्रांचेस, ऑल दीज कंप्यूटर्स
might as well send you know sell them. Maybe they are old models of computers, maybe you're not working properly, or whatever the case. Okay, so like they decide, Mizan Bank Administration decides that you might as well sell these computers, you know. Okay, maybe they have other things like, you know, furniture in the branches which would they like, you know, we have no use of them, you might as well sell them. So you know, furniture ko bhi bech dete hain, bechne ka sochte hain, कंप्यूटर वगैरह भी बेचने का सोच लेते हैं. उसके अलावा दूसरी मशीन जो होती हैं, यू नो, वहाँ पर एटीएम मशीन हो गई या वॉट एवर जो भी मशीन होती है, अगर वो उनकी अपनी है, अगर लीज नहीं करा हुआ है तो वो सोचेंगे शायद हम बेचते हैं इसको. ठीक है, अच्छा, अब अगर वो बेचते हैं तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कुछ पैसा भी उनको मिले उस बेचने, जब बेचें तो. सही है ना, वो शायद अगर डोनेट नहीं करते हैं, चैरिटी में नहीं देते हैं कंप्यूटर वगैरह फर्नीचर वगैरह, लेकिन वो उसको एक्चुअली बेचते हैं तो हो सकता है कुछ पैसा मिल जाए. सही है ना, डिपेंडिंग किस कंडीशन की वो चीज़ें हैं. अच्छा, अगर वो पैसा मिलता है तो सारी बात है, कोई तरह से क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया उनका. वो कहेंगे भाई हमने तो इस चीज़ें बेची और हमारा पैसा आ गया. सही है ना, आप लोग भी कहेंगे भाई प्रॉफिट हो गया. अब मसला ये है कि अगर वो उस प्रॉफिट जो अर्न हुआ है ये चीज़ें बेचने से, कंप्यूटर फर्नीचर वगैरह, तो वो अगर मीज़ान बैंक अपने रेगुलर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिख दे, तो मसला ये होगा अगर फॉर एग्जाम्पल अस्यूमिंग, अब ये हम यहाँ सब अजम्पशन बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी डू नॉट नो एंड होपफुली दिस इज नॉट हैपनिंग एक्चुअल with the Mizan Bank. We're just talking hypothetically, just making a case just to help you understand this difference between statement of profit or loss and statement of other comprehensive income. Now, if we when they sell the product, then they send to sell their computers, furnitures, and they got some money. If they put that profit, if they consider that as profit, अगर वो कहेंगे हम profit हुआ है हमें, हमें चीजें बेची और हमें प्रॉफिट हुआ, चीजें बेच कर पैसा कुछ आया, और उसको वो इनकम में डाल दें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग कंप्यूटर, रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग फर्नीचर, तो उसमें होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनका इनकम या तो कम थी, वो इनकम ज्यादा हो जाएगी. सही है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा नेट लॉस में जा रहे थे जब उन्होंने ये कंप्यूटर बेच कर फर्नीचर बेच कर जो कमाई हुई उसको भी डाल दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर, तो फिर क्या होगा उसमें, फिर ये होगा कि जाहिर है कि उनकी जो नेट इनकम, वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा. और जब आप लोग वो उसको मीज़ान बैंक की वो देखेंगे, आप कहेंगे नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट इनकम आई है, ओह बड़ा अच्छा बैंक चल रहा है यार, राइट. एंड बेस्ड ऑन दैट एक्साइटमेंट और बेस्ड ऑन दैट नंबर यू आर सीइंग ऑफ नेट इनकम, व्हाट डू यू डू, यू डिसाइड दैट आई विल कीप इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, राइट. यानी आपने कह दिया मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ, जबकि आपने क्या देखा है कि भाई वो नेट लॉस से तो नेट इनकम में तब्दील हो गया. किस वजह से, कि उन्होंने कंप्यूटर और फर्नीचर बेचा अपने जो ब्रांच बंद कर रहे थे, राइट. लेकिन मसला यह है कि यही बिजनेस नहीं है उनका, यही नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है. देवर सम यू नो सम रीजंस, मे बी वॉट एवर, मे बी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी चेंज हो गई, मे बी जो भी चेंज हुआ उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर हमारे ऑपरेशन, या उनकी उतना वहां से पैसा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये ब्रांचेस बंद कर देते हैं. या हो सकता है उन्होंने एक बड़ी ब्रांच खोल दी, वन मेगा ब्रांच, सही है, उसकी जगह पे जो पांच पांच छोटी छोटी ब्रांचें थी उनको बंद कर दिया, ठीक है, एक बड़ी ब्रांच खोल दी उसकी जगह में भी, सही है, वॉट एवर. तो वो कहेंगे कि यू नो इस के, अब उसमें क्या हुआ कि आपने जब वो देखा तो आपने कहा कि आपने उसकी बेसिस डिसाइड कर लिया कि भाई नेट इनकम हुई है तो आपने इन्वेस्टमेंट करता रहा एज अ शेयर होल्डर, या एज अ मैनेजर आप कहें कि यार कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए ओनर आप कहेंगे बहुत अच्छी चल रही है इसलिए कि इसकी प्रॉफिट दिखा रहा है. लेकिन मसला क्या हो रहा है कि आपको जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एक्चुअली नहीं था, नेट लॉस था, राइट. आपने एक कंप्यूटर्स बेच के और इक्विपमेंट बेच के जो पैसा लिख दिया वहां पर, उससे नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है. लेकिन मीज़ान बैंक, इट्स अ बैंक, देयर नॉर्मल ऑपरेशन इज नॉट सेलिंग कंप्यूटर्स एंड फर्नीचर, देयर नॉर्मल ऑपरेशन इज सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, राइट. फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो उससे पैसा बनेगा, राइट. द नॉर्मल ऑपरेशन इज नॉट सेलिंग कंप्यूटर एंड फर्नीचर. They cannot keep selling computers and furnitures to make money, right? अगर वो ऐसे करते रहे तो जाहिर सी बात है कि एक दिन उनकी पूरी बैंक ही खत्म हो जाएगा अगर वो खाली सारा फर्नीचर कंप्यूटर बेचना शुरू कर दिया उन्होंने उसी काम पे, राइट. तो ये उनका नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केसेस हो सकते हैं, तो ये मसला हुआ है, राइट. तो उसमें क्या होगा कि वो जो एक्चुअली अगर पैसा उनकी कमाई हुई है कंप्यूटर बेच कर वो सब करके और फर्नीचर बेच के, तो वो इनकम में नहीं जाएगा, वो प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएगा, वो जाएगा gains के अंदर. That's a gain, gain from selling. And we will, when we study about depreciation and all these things, then we will go through that too, right? So that will go into other comprehensive income.
ठीक है। उसी तरह अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का नेट इनकम हो रही थी, अच्छी चल रही थी, सही है, साल के आखिर में उनके वेयर हाउस में आग लग गई, सारा प्रोडक्ट जल गया, सारी इन्वेंट्री जल गई, खत्म हो गई, तबाह हो गई, सही है, दैट्स अ ह्यूज लॉस, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उनकी अच्छी खासी नेट इनकम थी और वो वेयर हाउस में जो इन्वेंट्री थी ये सारा खत्म हो गया, तो उससे वो लॉस में चले गए। अब उसी वेयर हाउस में जो आग लगी है उसका जो नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, अगर वो एक्सपेंसेस में डाल दें, प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो एक्सपेंसेस है उसके अंदर डाल दें, तो उससे नेट इनकम हो जाएगी, नेट लॉस। और आप कहेंगे एज एन इन्वेस्टर या मैनेजर या ओनर या क्रेडिटर, सही है, आप कहेंगे कि यार इसको तो लॉस हुआ है, इसको इससे मैं पैसा निकाल रहा हूँ, या ये अच्छा नहीं कंपनी चल रही है, सही है, जो भी आप उस पर फिर उसके हिसाब से फैसला करेंगे अपना। उससे नुकसान ये होगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट होते होते जो इनका नॉर्मल ऑपरेशन और प्रॉफिटेबल ऑपरेशन था, अच्छा खासा उसमें ऑपरेशन हो रहा था, एक ऐसा वाकया हो गया जिसकी वजह से उनको नुकसान हो गया, उसकी वजह से पूरी नेट इनकम जो है वो नेट लॉस में तब्दील हो गई। सो डैट्स वाई जो वेयर हाउस का लॉस होगा, सही है, वेयर हाउस का फायर लॉस हो गया या कोई भी ऐसी नेचुरल डिजास्टर टाइप वजह से कोई नुकसान अगर होता है, तो डैट्स loss will not be included in the statement of profit or loss. That will be part of the statement of other comprehensive income. सही है? तो उससे क्या होगा कि आपको फायदा कि जो net investor है, manager है, हम अगर इन चीजों को अलग अलग रखेंगे तो देखेंगे भाई normal operation से net income है, net loss है, सही है, normal operation में क्या चल रहा है, normal operation के लिए आप statement of profit or loss बनाते हैं, और उसके अलावा अगर कुछ गेन्स लॉस हुई हैं तो वो अलग से लिखा जाएगा, विच इज नॉन ऑपरेशन, जो है ऑपरेशन की तरफ से कोई ऐसे गेन लॉस नहीं हुआ नहीं है, तो उसमें अलग रखकर देखा जाएगा कि ये गेन लॉस ऐसी जगह चीजों से हुआ है जो मुस्तकिल नहीं होंगी, कभी कभार ऐसे वाकयात होगा जिसकी वजह से हमारा गेन या लॉस हुआ है। Okay. इस तरह दोनों अलग अलग रखेंगे तो आपको डिफरेंट टोटल्स नजर आएंगे, डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और इससे जो है कोई धोखे में नहीं आ सकेगा यूजर। अच्छा तो इसमें हम पढ़ते आना, तो इनकम में मुस्तकिल बोलना, तो व्हाट इज इनकम, इनकम भी कह लें इसको, रेवेन्यू कह लें आप इसको, सही है। तो रेवेन्यू जो होता है That's from sale of the goods or services, सही है। सबसे ज्यादा अब रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपको जाहिर है सबसे कॉमन चीज होगी, अगर अभी हम जो पढ़ना शुरू करें सर्विसेज का पढ़ेंगे, तो सर्विस जो भी कंपनी जो सर्विस दे रही होती है, फॉर एग्जाम्पल राइट, कंसल्टिंग सर्विस, लॉ फर्म देती है आपकी, लीगल सर्विस, अकाउंटिंग फर्म जो होती है, ऑडिटिंग फर्म जो होती हैं वो अकाउंटिंग सर्विसेज, ऑडिटिंग सर्विसेज देती हैं, मार्केटिंग कंपनी कोई होगी तो मार्केटिंग सर्विसेज देगी, सही है। तो एनीवे सही है, तो वो कंपनी सर्विसेज देती हैं, उसके अलावा जो आपकी रिटेलर्स हैं दे सेल गुड्स एंड मटेरियल, राइट, सो दो सेल गुड्स जो करेंगे तो वो आपकी सेल ऑफ गुड्स का आ गया, उससे उनका रेवेन्यू आ गया, इनकम आएगी, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी है, आप सोच सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी जो है माजू, वो सेल ऑफ गुड्स है, सर्विस है, figure that out on your own. Anyway, तो जाहिर बात है कि वो उससे कुछ revenue आ रहा है उनका। अच्छा, उसके अलावा और revenue कहाँ से आ सकता है? Interest revenue भी होता है, dividends revenue भी होता है। Dividends revenue क्या होता है? भाई companies दूसरी companies में investment करती हैं, दूसरी companies के stocks खरीदती हैं। Okay? अगर उन्होंने ऐसा कराया तो stocks पर dividends मिलते हैं, सही है? Dividend जो होगा जाहिर बात है कि वो भी dividend income है, वो भी पैसा आ रहा है, वो भी हमारी income है। उसके अलावा interest, अगर एक किसी कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट अर्निंग होगी, सही है, तो इंटरेस्ट अर्न हमारा दैट्स आल्सो आवर रेवेन्यू, सही है, सो दैट्स आल्सो इनकम हमारी हो जाती है रेवेन्यू। सो जो फर्स्ट टू पॉइंट्स हैं वहाँ पे लिखे हुए, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड द इंटरेस्ट रेवेन्यू और डिविडेंड रेवेन्यू, ये तो आपके जा सकते हैं इनकम आपके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, ठीक है ना। जो थर्ड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, गेन्स फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स फॉर मोर देन द अमाउंट एट विच दे आर कैरिड इन द रिकॉर्ड्स, ओके, एंड वी विल रीड अबाउट दिस इन डिटेल इन अदर चैप्टर्स। सो व्हाट विल हैपन देयर इन दैट केस, दैट आप जब जो मैंने एग्जांपल दे रहा था मिजान बैंक की, तो मैं इसी चीज एग्जांपल दे रहा था कि आपके नॉन करंट एसेट्स है फर्नीचर, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह, राइट, एंड इफ मिजान बैंक सेल देम at a gain, at a profit, okay, that will go into our statement of other comprehensive income. It will be called a gain, okay. So revenue
And that's what I have already explained here. Revenue usually is called dividend revenue, interest revenue, sale revenue, service revenue, जो भी आप कहेंगे, right? ये सब revenue जो है, ये आपका normal business operations में जो आते हैं, normal business operations, okay? Normal business operations आपके हो गए. Normal business operations आपके हो जाते हैं कि जो आपका यानी कि जो मैंने बैंक एग्जांपल दो बैंक फ्रॉम सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट उससे जो उसकी कमाई होगी वो उसका रेवेन्यू कहलाएगा. ओके और गेन जो होता है वो गेन आता है जब आप नॉन ऑपरेशनल चीजें होती हैं सही है आपकी जो अनयूजुअल तरीकों से पैसा आया है उसको कहते हैं गेन. स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आपको दोनों चीजें अलग अलग नजर आएंगी. रेवेन्यू जो अलग लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का पीस होगा और अदर इनकम कह लें या गेन कह लें वो अलग लिखा जाएगा. उसके बाद हमारा एक्सपेंस. एक्सपेंस जो होता है जाहिर सी बात है कि वो कॉस्ट वैल्यू ऑफ द ऑल द एसेट्स हैव बीन यूज्ड अप टू अर्न द रेवेन्यू सही है ना. वो रेवेन्यू कमाने के लिए आपके जो अखराजात हुए हैं वो कमाई जो आपकी हुई है उसको वहां तक कमाने के लिए आपको जो अखराजात हुए हैं उसको कहते हैं एक्सपेंस. ओके हम एग्जांपल सिंपल अक्सर एग्जांपल आपको देता हूँ रिक्शा वाले की या ठेले वाले की वगैरह तो सब्जी बेचने वाले फ्रूट वगैरह तो हम उसकी एग्जांपल दें रिक्शा वाले की राइट. अब रिक्शा वाले की कमाई क्या है रेवेन्यू क्या है गिविंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस गिविंग सही है. वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है आपको एक जगह दूसरी जगह ले जाता है उसका आप उसको पैसा देते हैं तो वो उसका रेवेन्यू होगा. लेकिन वो रेवेन्यू कमाने के लिए आपको सर्विस देने के लिए उसको कुछ अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो आपको राइड नहीं दे सकता वो आपको ट्रांसपोर्टेशन रेवेन्यू कमा नहीं सकता है रिक्शा वाला जब तक वो रिक्शे के अंदर सीएनजी या पेट्रोल ना डलवाए. ओके अगर पेट्रोल या सीएनजी नहीं होगी गैस नहीं डली जाएगी तो आपकी रिक्शा नहीं चलेगा और रिक्शा नहीं चलेगा तो आपको वो राइड नहीं दे सकता ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं दे सकता और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं देगा रिक्शा वाला तो क्या होगा उससे कमाई भी नहीं होगी रेवेन्यू भी नहीं आएगा उसके पास राइट. तो रेवेन्यू कमाने के लिए उसको वो खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा पेट्रोल का खर्चा सीएनजी का खर्चा ठीक है ना. अच्छा अगर वो कहे कि नहीं भाई मैं दिन भर खाना ही नहीं खाऊं सही है फॉर एग्जाम्पल वो खाना नहीं खाता तो क्या होगा तबीयत खराब हो जाएगी गाड़ी नहीं रिक्शा नहीं चला सकेगा रिक्शा नहीं चलाएगा तो फिर भी कमाई नहीं होगी. तो बाइंग फूड दैट्स आल्सो एन एक्सपेंस. ओके तो अभी मैंने दो एग्जांपल आपके सिंपल से रखे बाइंग फूड एंड बाइंग योर सीएनजी और पेट्रोल ये रिक्शा वाले के एक्सपेंसेस हैं सही है. इन दो एक्सपेंस को बर्दाश्त करेगा तो उसको रेवेन्यू कमाने तक वो पहुंचे कमा सकेगा. रेवेन्यू नहीं कमा सकता जब दो दोनों चीजें बर्दाश्त नहीं करे दो चीजें खर्च ना करे. ओके सो एक्सपेंसेस आर नीडेड कॉस्ट टू अर्न रेवेन्यू. ओके सिमिलरली आप एक बिजनेस है आप घर पे भी बिजनेस अगर चला रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल केटरिंग बिजनेस आउट ऑफ योर होम. ओके यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन रॉ मटीरियल of care of course but at the same time you need to spend money on electricity so yeah aapka gas natural gas okay that is baat hai ki aap jo cheeze lekar aaye hain usko deep freezer mein rakhenge ya fridge mein rakhenge taki wo thandi rahe kharab na ho jaye uske liye electricity chahiye. acha uske baad aap paka lenge wo pakane ke liye wo cheez chahe wo aap oven mein pakaye chulhe mein pakaye kahin bhi you need gas for that natural gas okay so you need to pay for that. If you're not like I do not want to spend money on natural gas, I do not want to spend money on electricity, what will happen? No electricity, no gas. You cannot buy anything and save it for later. Fridge kaam nahi karega, deep freezer kaam nahi karega. You cannot cook anything because there's no natural gas. If you cannot cook anything because there's no natural gas, you cannot give anything, you cannot sell anything to your customer. There is no revenue then. Customer will not pay you, right? So you to earn revenue, you need to pay for these utilities, water, gas, electricity. उसके अलावा सही है ना. तो अगर आपने कोई assistant वगैरह रख लिया, for example हो तो rider हो जिसको आप
या किसी को ऐसे बंद लड़के को रखा जो सामान पहुंचाता हो वगैरह इधर अपने आपके कस्टमर्स तक, उसको उसका उसकी गैस पेट्रोल या यू नो वो सब चीज़ें, उसको खुद उसकी सैलरी आपको या वेज जो भी आपका आवरली रेट होगा उसके हिसाब से, वो भी वॉट एवर आपका है आवरली रेट है या किलोमीटर वाइज आपका रेट है, जितना किलोमीटर वो चलेगा उसके हिसाब से वो आपको पे करेंगे, तो वो सब आपको देना पड़ेगा। वरना तो आपकी डिलीवरी चार्ज नहीं, आप डिलीवरी नहीं करवा सकेंगे अपनी चीज़ें जो बनाई हैं, आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं वगैरह वगैरह। तो एक्सपेंसेस, दोज आर एक्सपेंसेस। So, I've pretty much talked all the whole the slide anyway. So expenses are made of your sales, सही है, a cost of sales, cost of wages, सही है, cost of sales में दो चीजें आएंगी जो हम lecture 4 से देखेंगे, cost of goods sold और वो सब चीजें आएंगी। wages जैसे मैंने बात करी कि आप delivery करवाने के लिए आपको wage या सैलरी देनी पड़ेगी। वेज से सैलरी में जरा सा फर्क होता है, वेज जो होती है वो आवरली होती है और सैलरी जो होती है वो मंथली होती है। बट यू नो कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का वैसे। कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, अब डिप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है लेक्चर 3 में आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए आपको उसकी फिक्र नहीं करनी है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, ये एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस होता है, बट व्हाट इज डिप्रिसिएशन, दैट्स अ होल लेक्चर इन इटसेल्फ, वी विल गो थ्रू। प्लस फॉर नाउ इट्स एंड लेक्चर 3 वी विल आल्सो टच अपॉन दैट अ लिटिल बिट। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन्स एंड सो ऑन, वो भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह होगा आपका। क्या करना चाहे बताया, किसी से लोन लिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो दैट्स योर एक्सपेंस। ओके अच्छा, उसके बाद आपके अलावा आते हैं लॉसेस, जिसमें बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस बात के ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पर। आपके जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, फायर फ्लड वगैरह की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से अगर आपका कोई लॉस अगर होता है, तो या फिर आपने कोई चीज बेची है जिसका पैसा आपको कम मिला है, जिसके पैसे उससे ज्यादा पैसा मिला है, उससे कम मिला, आपको लॉस हुआ है, तो वो लॉसेस जो हैं वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, वो आपका एक्सपेंस में नहीं जाएगा। राइट, एक्सपेंस में आपकी नॉर्मल ऑपरेशन से जो आपके अखराजात हुए हैं वो जाते हैं, लॉसेस जो हैं वो आपके जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। ओके, उसके अलावा आपकी एक लिस्ट यहाँ दे दी गई है आपके पास स्लाइड्स में होगी कि इनकम एक्सपेंसेस में क्या 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 चीजें आ सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यही लिस्ट जो है यही आपकी यानी कि अमन्ना सदकना वाली चीजों की, कि यही लिस्ट है इसी को लेकर मैं रखूंगा और इसी के मुताबिक सारे एक्सपेंस और इनकम आते हैं। नो, इनकम एक्सपेंसेस इज जस्ट अ स्मॉल लिस्ट। इनकम एक्सपेंसेस डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कुछ भी वो नाम दे सकते हैं और कुछ भी उनकी इनकम और एक्सपेंस होगा, वॉट एवर। सही है, ये तो एक छोटी सी आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है कि आप देख सकते हैं क्या क्या इन एक्सपेंसेस इनकम होते हैं। ये आपको छोटी सी आपको आपको ये आपका वो है सैंपल है कि इनकम स्टेटमेंट किस तरह की लगती है। ओके और आपका जिसमें ऊपर सेल्स है, उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है ये हम पढ़ने पड़ेंगे लेक्चर 4 में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, उसके बाद निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप उसको लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन है, सेलिंग एक्सपेंसेस होगा, एडवर्टाइजिंग कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सपेंस वगैरह वगैरह। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल गए, और फिर उनके ऑपरेटिंग इनकम जिसके हम जो कह रहे हैं नेट इनकम या नेट लॉस होता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं, कि ऑपरेशन से कितनी इनकम आई है उनकी। फिर उसके अलावा ऑपरेशन के अलावा उनके क्या एक्सपेंसेस रहे हैं, लॉसेस रहे हैं, गेन रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेवेन्यू अलग से उन्होंने लिखा है, गेन ऑन सेल इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो बेची हैं उनकी, इन्वेस्टमेंट थी किसी स्टॉक्स वगैरह जो थे उनके दूसरी कंपनी के, उन्होंने वो बेच दिए तो उससे उनको कुछ पैसा मिला। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, किसी उन्होंने लोन लिया हुआ था तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। लॉस फ्रॉम लॉ सूट, कोई उनके उस कंपनी के ऊपर कोई लॉस सूट्स वगैरह आए हुए थे, कस्टमर ने लॉस सूट करा हुआ, किसी ने या गवर्नमेंट ने लॉस सूट करा हुआ हो तो उससे उनको लॉस हुआ है, तो वो सब जब हमने माइनस करा वो सारे इनकम एक्सपेंसेस, जब वो हमने ऐड करे तो नेट रिजल्ट हमारा निकला 6,000 का नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, सो ऑपरेटिंग इनकम कितनी है 12,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है 6,000, 6,000, सो टोटल नेट इनकम कितनी है 18,000। अब आप कुछ देखें टोटल नेट इनकम कहेंगे यार 18,000 वो अच्छी कंपनी चल रही है, बट अगर गौर से देखा जाए तो आउट ऑफ दैट नेट इनकम ओनली 2/3, 67% ऑफ दैट नेट टोटल नेट इनकम इज फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, 1/3 और 33% of the net income is from non-operation. It will not happen again and again. हो सकता है दोबारा से interest revenue 5,000 नहीं मिले, दोबारा से आपको उनको investment उन्होंने sell कर दी, हो सकता है दोबारा से investment वो 3,000 पे sell ना कर सके, उससे कम पैसा मिले या उससे loss हो जाए। okay? तो ये 6,000 non-operation है, ये हमेशा नहीं रहेगा, कभी 6,000 भी हो सकता है, कभी 3,000 भी हो सकता है, कभी 0 भी हो सकता है, कभी loss भी जा सकता है।
वेल एज आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है होपफुली वो हमेशा ऊपर जाती रहेगी या स्टेबल रहेगी एक ही जगह पे, नीचे नहीं जाएगी, होपफुली. सो असल जो आप एज एन इन्वेस्टर मैनेजर असल जो आपको आंख रखनी है, आपको नजर रखनी है, वो रखनी है ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि हमारे ऑपरेशन से कितना पैसा मिल रहा है हमें. ओके, हमारी इनकम ऑपरेशन से कैसी हुई है. नॉन ऑपरेटिंग जो है दैट इज अनयूजुअल थिंग्स, दैट मे हैपेंस, हो सकता है किसी साल में किसी महीने में बड़ी चीज आपको मिल जाए, किसी में कभी ना मिले. ओके, तो उसी पर तो 18,000 उन्होंने टोटल तो दिया है आपको, लेकिन उन्होंने ब्रेक डाउन दिखा दिया है आपको. तो उससे क्या होगा कि एनीवन लुकिंग एट द होल थिंग दे कैन फिगर आउट दैट भाई मुझे ऑपरेशन से मतलब कि इनका ऑपरेशन कैसे चल रहा है. तो उसको 12,000 जो है 12,000 इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैट इन्वेस्टर मैनेजर क्रेडिटर वगैरह. ठीक है, इसको दिस टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट व्हिच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज आल्सो कॉल्ड मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट. ओके, हम लोग जो क्लास में भी हम लोग क्लास एग्जांपल्स करेंगे लेक्चर 3 से स्टार्ट करेंगे वो होगी सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट. ओके, सबसे पहले आप सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट सीखेंगे, फिर लेक्चर 4 में हम जब जाएंगे तो आप मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट देखेंगे. ओके, दिस इज अ मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टॉप्स हैं बीच में. सबसे पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट स्टॉप आया आपका, तीसरी लाइन जो है वहां पर, एंड देन आपके ऑपरेटिंग इनकम और फिर नेट इनकम. ओके, सिंगल स्टेप में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता, आप डायरेक्टली गो फ्रॉम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स नेट इनकम. उसके बाद हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. आई विल कम बैक टू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, फर्स्ट विल गो थ्रू स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी. स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी इज बेसिकली शोइंग चेंजेस इन योर ओनर्स इक्विटी. ओके, नाउ ओनर्स इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, इट इज ऑन द बैलेंस शीट. हमने देखा था बैलेंस शीट में कि बैलेंस शीट में ये चीज होती है ओनर्स इक्विटी का पीस, राइट. ओनर्स इक्विटी होता है इसमें, और बैलेंस शीट जो हमारी सैंपल बैलेंस शीट है उसमें भी आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ओके, तो आपका कैपिटल जो है ये आपका ओनर्स इक्विटी है. ओके, तो ये हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको कि दिस इज कैपिटल, इट्स ओनर इक्विटी पीस ऑफ द बैलेंस शीट, एंड इट इज ऑन द बैलेंस शीट. ओके, नाउ और उसी तरह हम, लेकिन उसमें क्या है कि अब इसका अलग भी अलग से एक फिर भी यानी कि अब कैपिटल पीस इज इन देयर, ओनर्स इक्विटी पीस इज इन द बैलेंस शीट, बट वी स्टिल मेक अ सेपरेट स्टेटमेंट वेयर वी शो व्हाट हैज हैपेंड इन पास्ट ईयर, बिगिनिंग बैलेंस क्या था हमारा, फिर एंडिंग बैलेंस ऑन ओनर्स इक्विटी जो है वहां तक पहुंचने के लिए बीच में क्या क्या एक्टिविटीज हुई. ओके, वी शो यू द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द ईयर, लेट्स सी वी आर डूइंग अ फाइनेंशियल पीरियड इज for the whole year, so we are going to show the beginning balance of the owner's equity, and then we'll show what has happened during the year with that account. Okay, there may you add net profit in there, in net profit agar hua hai to aap usko owner's equity mein add karte hain, and that we have learned in our accounting equation. Remember accounting question maine kaha aapko, maine split kara tha, to maine kara tha ke assets equals liabilities plus owner's initial capital plus net profit ya minus net loss, right? So basically that's what they are doing. So they like, we take the beginning balance of the we take the beginning balance of the net of the owner's equity account, okay, capital account, and then we add the net profit, yeah, we subtract the loss of the accounting period. Then there can be, if we have sold more shares during the year or the owner has invested more money in the business. Okay, so if there can be increase or decrease in share capital reserves, if we have paid any dividends, then you have to subtract that
from the owner's equity. Okay, if there are any effect of changes in accounting policies. Okay, if accounting when accounting policies change, depending on that, sometimes you have to subtract or add the change, the effect of the change in the owner's equity. Okay, and why we have to do that and things like that, that's a separate discussion. If you need to want to learn that, we can discuss separately on individual basis. But for the class, for the course, you don't need to learn all about that. That's more of an advanced accounting. So we make a separate owner's equity statement where we are showing what's the beginning balance is, what has happened during the year with that account, with net profit and losses, dividends, in more investments, less investments, things like that. And then we can get to the ending balance of that. Ending balance niklega hamara, phir ending balance jo hoga, phir hum usse jo hai wo aapka jo ending balance hamare paas aayega usko hum dikhayenge ki bhai dekho ab jo ending balance hai wo aapka jata hai balance sheet ke upar. सही है, लेकिन उसकी डिटेल जो है वो स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी के अंदर मिल जाएगी आपको. ठीक है, अच्छा. सो देन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. द रीजन आई शोड यू नेट इनकम, बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी बिकॉज बिफोर कैश फ्लो इज दीज थ्री स्टेटमेंट्स विल बी मेड इन लेक्चर 3. These statements are very, very critical. Statement of cash flows is also critical, but we will not make that until end of the semester. Statement of cash flows, I explained it already a little bit earlier, is statement of cash flows you make just for the cash, because cash is critical to every business. So you break it down into 3 pieces, and we will make it near the end of the course. You break it down into 3 sections: operating, investing, and financing. Operating, all the cash coming in or going from usual operations of the business. Investing, all the cash coming or going from the non-current assets of the business, non-current assets only. Okay. Not from operations, not from any other way, or just non-current assets. Financing, and all the money coming or going from the financing of the business. Financing of the business, basically, how are you? आपको जो पैसा आप जो पैसा कमा रहे हैं, जो पैसा आप business चल रहा है, उसका पैसा आ कहाँ से रहा है? Okay, is it coming from the money investment coming from the owner? Is the money coming from the shareholders? Is the money coming from the bank loans? Okay, things like that. उसकी पता चलेगा कि भाई आपका कैश अगर ज्यादा बढ़ा है और कम हुआ है, ज्यादा हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके आपको पूरी एक तरह से डिटेल आप पकड़ा देंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर. ठीक है, सो दिस इज अ सैंपल हियर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस. डोंट वरी अबाउट इट फॉर नाउ, वी विल लर्न अबाउट इट नियर द एंड ऑफ द कोर्स एंड वी विल गो थ्रू दैट how to make it. And this one is the indirect method of preparation net cash flow. And what they did, they basically showed the operating activities on net income. Li net income ne se unhone usko adjust kara hai net income ko current assets se or current liabilities ke zariye. To unka aage kya cash kitna aaya hai, gaya aaya kitna aaya hai operation se, uske baad investing kitna, aapki non current assets jo hain usse kitna paisa aaya gaya hai, to usse unka paisa चला गया है, यूज्ड हो गया है 21,000. और फाइनेंसिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से हुई है, तो लॉन्ग टर्म डेट, एक तो उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है बैंक्स वगैरह से कहीं से भी. सही है, उसके अलावा उन्होंने फॉर एग्जांपल कैश डिविडेंड्स, उन्होंने डिविडेंड्स पे करे हैं अपने शेयर होल्डर्स को. ठीक है, ट्रेजरी स्टॉक की बात मैं नहीं करूंगा अभी, लेकिन एक और एक्टिविटी कुछ हुई है वहां पे उनके पास, तो उस सबसे क्या हुआ कि उनके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव थे, उनका पैसा यूज ज्यादा हो गया है जितना आया. तो उससे क्या हुआ कि 25,000 जो पैसा आया था उसमें से 21,000 इन्वेस्टिंग में चला गया, 3,000 उनका फाइनेंसिंग में निकल चला गया. तो दे हैव ओनली इन कैश कितना इंक्रीज हुआ है, 1,000. सही है, और उन्होंने दिखाया कि भाई बिगिनिंग हमारा कैश बैलेंस जो पिछले साल का जो हमारा एंडिंग बैलेंस था वो 1,200 था, इस साल का एंडिंग बैलेंस 2,200 है, 1,000 से जो इंक्रीज हुआ है उसका ब्रेक डाउन उन्होंने दिखा दिया कि कहाँ कहाँ से हुआ है. Okay, so that's our statement of cash flows. So that covers all of our statements, and we will make all these statements from lecture 3 onwards, and then we will see how unit 3 se hum dekhenge, aur phir dekhenge kis tarah banti hain, kis journal entry aur puri accounting cycle dekhenge, to ye dekhenge kis tarah ye statements banti hain.
Okay, so what I want you to do now is to go through the practice questions, okay, of accounting equation of asset liabilities capital किस तरह calculate करते हैं, okay, accounting equation कई question है ये भी, फिर journal entries किस तरह book कर जाते हैं, debit credits क्या होते हैं वगैरह वगैरह, and question 5 which is all about your You need to do two things. First, you need to figure out which one is asset or liabilities. पहले आपको बताना है कि asset है, liability है. उसके बाद बताना है आपको कि current या non-current है वो. ठीक है? तो आपको जैसे for example business building. Okay? तो business building क्या है आपकी? Business building आपकी asset है या आपका असासा है या आप उसमें तो आप own करते हैं या आप सब control करते हैं और उस आप आपके employee वहाँ काम करते हैं आप अपनी revenue कमाते हैं अपनी operation चलाते हैं business building से. So it's your asset. Okay, is it a current asset or non-current asset? It is a non-current asset, right? Because obviously, it will be with you for more than a year, hopefully, right? आपका साल भर से ज़्यादा आपके पास रहेगा ये building, ये जगह आपके पास सही है, तो जाहिर सी बात है कि non-current asset होगा ये आपके पास. Okay.